ताजदारे हरम, ताजदारे हरम। क्या तुमसे कहूं ऐ रब के कुंवर, तुम जानते हो मन की बतियां। दारे फुरकत तो आए उम्मीद, कब काटे ना कटती अब रतियां। प्रीत में सुध बुध सब बिसरी, कब तक रहेगी ये बेखबरी। कहे बिगहा दुस्दीदा नजर, कभी सुन भी तो लो हमारी बतिया। आपके दर से कोई न खाली गया, आपके दर से कोई न खाली गया, आपके दर से कोई न खाली गया। अपने दामन को भर के सवाली गया, हबीबे हसीन, ओ हबीबे हसीन। पर भी आका नजर मरना और आके हस्ती बिखर जाएंगे। ताजदारे हरम, ताजदारे हरम। कशो आओ आओ मदीने चले, मदीने चले, मदीने चले, मदीने चले। मैं कशो आओ आओ मदीने चले। जब है फिजा मदीने में, तजल्लियों की जब है फिजा मदीने में। निगाहे शौक की है इंतहा मदीने में, निगाहे शौक की है इंतहा मदीने में। गमे हयात ना खौफे कजा मदीने में, गमे हयात ना खौफे कजा मदीने में। नमाज़े इश्क करेंगे अदा मदीने में, नमाज़े इश्क करेंगे अदा मदीने में। बराहे रास है राहे खुदा मदीने में। आओ मदीने चले, आओ मदीने चले, इसी महीने चले। आओ मदीने चले, मैं कशा साकी ये कौसर से पीने चले, दस्त साकी ये कौसर से पीने चले। याद रखो अगर, याद रखो अगर, याद रखो अगर, याद रखो अगर। उठ गई एक नजर, जितने खाली है सब जाम भर जाएंगे। नजर जितने खाली है सब जाम भर जाएंगे। ताजदारे हरम, ताजदारे हरम। बिजलियों का है डर, तूफान है बिजलियों का है डर। सख्त मुश्किल है आका किधर जाएं हम, सख्त मुश्किल है आका किधर जाएं हम। आप ही कर न लेंगे हमारी खबर, हम मुसीबत के मारे की।
या मुस्तफा या मुजतबा इरहम लना इरहम लना कस्ते हम बेचारा दामातु दामातु भी मन आसियम मन आजसम मन बेकसम हाले मेरा पुरसातु 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 यूनिवर्सिटी एफएम 98.2 24/7 ZUFM 98.2 आपकी समातों को छूती हुई हमारी आवाज ZUFM 98.2 सुबह की ताजा खबर ऑसम मौसम और क्या कहते हैं आपके सितारे ये सब और ढेर सारा फन सैयदा फरहाना अली के साथ एवरी मंडे टू फ्राइडे 9 to 11 AM ओनली ऑन ZUFM 98.2 पयामे जुस्तजू वालों इस्लामाबाद वालों क्या हाल चाल है ठीक ठाक हैं खैरियत से हैं दिस इज मॉर्निंग वाइब्स विद मी आपका हमारा साथ रहेगा से लेकर पूरे पूरे 11 बजे तक करेंगे ढेर सारी बातें साथ ही साथ होगा आपके सितारों का अहवाल लेकिन इससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है चाहे आप स्कूल जाए कॉलेज जाए यूनिवर्सिटी जाए या फिर जाए ऑफिस सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है अटेंडेंस मार्क करवाने का सो हमारे पास भी कुछ ऐसा ही सिमिलर से सिस्टम है आपको यहाँ पर भी अपनी अटेंडेंस मार्क करवानी होती है बताना होता है कौन कौन कहाँ कहाँ से सुन रहा है पहली बार सुन रहे हैं हमेशा सुनते हैं या तो हैं आप घुन्ना लिसनर तो घुनो बहुत हुआ घुनापन बता दीजिए सुनते हैं चोरी चोरी चुपके चुपके रोजाना अरे हम कुछ नहीं कहेंगे सच्ची में हम कहेंगे सिर्फ और सिर्फ वेलकम तो बहुत ही सिंपल बहुत ही आसान सा तरीका है पार्टिसिपेट करने के लिए हमारे शो में क्या करेंगे आप सर्च करेंगे आप ZUFM 98.1 ऑन फेसबुक सैयदा फरहाना अली ऑन फेसबुक एज वेल मजीद आगे जाएंगे आपको नजर आएगा इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम पर जाकर सर्च करेंगे @RJFarhanaOfficial तो वहां पर भी मेरा अकाउंट आपको नजर आएगा उस अकाउंट को जाकर अपने जल्दी से फॉलो कर लेना ताकि आपकी जिंदगी में बहार निखार सवार सब कुछ आ जाए मजीद आगे जाएंगे आपको नजर आएगा ट्विटर ट्विटर पर जाकर सर्च करेंगे @ सैयदा फरहाना अली यूट्यूब पर जाकर सर्च करेंगे सैयदा फरहाना अली सो आपने बस जल्दी से जाकर ना फॉलो करना है सब्सक्राइब करना है आपको कौन सा बिल आना है तो अगर तो आप शहर से बाहर हैं सुबह से बाहर हैं मुल्क से बाहर हैं कोई मजे वाली बात नहीं है आप बहुत इजीली हमारा शो सुन सकते हैं ऑन फेसबुक और साथ ही साथ माई ट्यूनर रेडियो ऐप के थ्रू आप सर्च करेंगे ZUFM 98.2 जो है वो ऐप पर जाकर तो आपको वहां पर मिल जाएगी हमारी ऐप उस पर जाकर आप क्लिक करेंगे तो मिल जाएगा हमारा शो साथ ही साथ आप चाहे दुनिया के किसी भी कोने में है गो की दुनिया गोल है तो आप हमें सुन सकते हैं लाइव रेडियो पर जो कि आपको ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर भी लिंक मिल जाएगा राइट
तो चाहे आप शहर से बाहर हो, सुबह से बाहर हो, मुल्क से बाहर हो, कोई मसले वाली बात नहीं, बस आपने ना आपे से बाहर नहीं होना, क्योंकि हमारे शो में आने के लिए ना आपे में आना पड़ता है। आपे में आइए, हमारे शो में आइए, वेलकम करेंगे आपको, राइट। सो आज भी बहुत सारे मजेदार सी बातें, खबरें शबरें बताएंगे क्या चल रहा दुनिया में। आज दो टॉपिक्स हैं, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे, राइट। लेकिन उससे पहले आपको सुनवाएंगे एक जबरदस्त सा ट्रैक। सो हम आज आपको ना सुनवाने वाले हैं ये वाला ट्रैक और ये वाला गाना जो काफी दिनों से मैंने प्ले नहीं किया, तो लेट्स सी इसको सुनते हैं, वापस आएंगे इसके बाद फिर करेंगे आपसे मजीद बातें। जब तक आपने कहीं नहीं जाना, और हम क्या कहते हैं आपसे कि आप अगर कहीं भी जाएंगे तो पछताएंगे, हम नहीं चाहते आप पछताएं, इतनी सी बात। सो कितनी बार समझाएंगे, वापस आएंगे इसके बाद, ठीक है ना। This is जाने वाले बाय फैसल अख्तर। अंकल ने क्या गाना गाया, गलती हुई तो माफ कर। जाने वाले से माफी नहीं मांगना चाहिए, बोलो भाई हमको तो धक्का देना चाहिए, जाओ जान छुट्टी तुम से। कोई गलती हुई तो माफ करना, मेरी तरफ से ये दिल साफ रखना, अच्छा तो फिर अल्लाह देगे बा, अच्छा तो फिर मौला ने गेवा। सो वापस आएंगे इसके बाद, स्टे ट्यून्ड। अच्छा तो फिर अल्लाह ने गेवा, अच्छा तो फिर मौला ने गेवा। किस्मत में ही था ये शायद लिखा, तुमसे शिकवा नहीं, जो हुआ सो हुआ। तुम जहां भी रहो खुश रहो है दुआ, छोड़ जाना यादें सारी, खुशियों के लम्हे साथ रखना। जाने वाले आओ जाने वाले, कोई गलती हुई तो माफ करना, मेरी तरफ से ये दिल साफ रखना, अच्छा तो फिर अल्लाह देगे बा, अच्छा तो फिर मौला ने गेवा, अच्छा तो फिर अल्लाह ने गेवा, अच्छा तो फिर मौला ने गेवा। साथ चलने का तो वादा न था, रास्ते होंगे जुदा ये गुमा भी न था, पर यूं जाओगे तुम मैंने सोचा न था। जा रहे हो तो जाओ, लेकिन ये गुजारिश याद रखना। जाने वाले ओ जाने वाले, कोई गलती हुई तो माफ करना, मेरी तरफ से ये दिल साफ रखना, अच्छा तो फिर अल्लाह ने गेवा, अच्छा तो फिर मौला ने गेवा, अच्छा तो फिर अल्लाह ने गेवा, अच्छा तो फिर मौला ने गेवा, अच्छा तो फिर अल्लाह ने गेवा, अच्छा तो फिर मौला ने गेवा।
साथ चलने का तो कोई वादा न था, रास्ते होंगे जुदा ये गुमा भी न था। पर यू जाओगे तुम मैंने सोचा न था, जा रहे हो तो जाओ लेकिन ये गुजारिश याद रखना, जाने वाले ओ जाने वाले कोई गलती हुई तुम माफ करना, मेरी तरफ से ये दिल साफ रखना। अच्छा तो फिर अल्लाह ने गेबा, अच्छा तो फिर मौला ने गेबा, अच्छा तो फिर अल्लाह ने गेबा, अच्छा तो फिर मौला ने गेबा, अच्छा तो फिर अल्लाह ने गेबान, अच्छा तो फिर मौला ने गेबान, अच्छा तो फिर अल्लाह ने गेबान, अच्छा तो फिर मौला ने गेबान। It's 32 minutes past 9 on the dial right now. So, चलें जी आज के दो टॉपिक्स आपको बताते हैं और साथ साथ बताएंगे भाई आज क्या चल रहा है, खबरें शबरें क्या है, दुनिया में चल क्या रहा है, आखिर महंगाई हो रही है क्या हो रहा है, महंगाई तो हो रही है वैसे थर्सडे आ गया, इतनी जल्दी पूरा वीक गुजर जाता है, जल्दी जल्दी पता ही नहीं चलता। और So, आज के जो दो टॉपिक्स हैं उसमें से पहला टॉपिक ये है। So, आपने ना बड़े इंटरेस्टिंग और फनी फनी जवाब देने, जिसमें फनी जवाब बनता है फनी जवाब दें, जिनकी बातें जो है वो इंटरेस्टिंग होनी चाहिए वो इंटरेस्टिंग जवाब दें, राइट। तो बेसिकली आपने बताना है कि भाई देखें बहुत सारे लोगों की बातें ना हमें कुछ याद रह जाती है, कभी भी हम किसी से मिलते हैं तो कोई ना कोई बात ऐसी याद रह जाती है, या फिर आपको आपको याद रखना अच्छा लगता है किसी की कोई ना कोई बात, राइट। तो बेसिकली लोगों की कौन सी बातें आपको याद रह जाती हैं, इस पे हमें बहुत ही इंटरेस्टिंग आंसर चाहिए, राइट। कौन सी बातें याद रह जाती हैं, किस तरह की बातें याद रहती हैं, किस तरह का बिहेवियर याद रह जाता है, राइट। साथ ही साथ तो हम लोग जो ना बड़े कंजूस होते हैं कॉम्प्लीमेंट देने में, तारीफ करने में लोगों की, तो बेसिकली सवाल ही आज मेरा यही कि आपने आज आज नहीं मतलब आखिरी बार आपने कब किसकी तारीफ की थी और क्या तारीफ की थी। मेरे अलावा मेरी आवाज की तारीफ आप लोग रोज करते हैं, उसकी बात नहीं करें, मेरे शो की तारीफ करते हैं उसकी बात बिल्कुल नहीं करें, उसके अलावा राइट। तो आपने आखिरी तारीफ क्या की थी, या कोई आपको तारीफ वसूल हुई हो किसी ने आखिरी तारीफ आपकी क्या की, ये भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, राइट। तो जल्दी से सर्च करेंगे फेसबुक पर सैयदा फरहान अली, वहां पर आपको जो है वो मिल जाएगा लिंक फेसबुक का, यानी कि हमारा अकाउंट मिल जाएगा, फॉलो कीजिएगा, पेज मिल जाएगा, नहीं पेज को जाकर फॉलो कीजिएगा, वहां पर आपको हमारे जो है वो फेसबुक ऑडियो स्ट्रीमिंग मिल जाएगी, राइट। तो वहां पर आप लोग कमेंट्स करके अपनी अटेंडेंस भी मार करवा सकते हैं और बता सकते हैं कौन कौन कहां कहां से सुन रहा है, राइट। और मुल्की एक्सपोर्ट्स में तारीखी इजाफा हो गया भाई, पाकिस्तानी एक्सपोर्ट्स कीमत में यौमिया 100 मिलियन डॉलर्स जो है वो कमाने लगा है, क्या बात है भाई, माशाल्लाह। अल्लाह ताला पाकिस्तान को नजरे बद से बचाए और हर उस इंसान की बद नजर से बचाए कि जिसकी नजर खराब है, बस इतनी सी बात है। सो भाई पाकिस्तान में जो ना हर एक के लिए स्मार्टफोन का मंसूबा शुरू करने का फैसला कर लिया गया भाई हुकूमत है पाकिस्तान का, मतलब हर एक के लिए स्मार्टफोन, मेरे ख्याल से तो हर एक के पास है स्मार्टफोन, बस दिमाग स्मार्ट नहीं होते लोगों के, फोन जरूर स्मार्ट होते हैं, कुछ लोग अपने आपको बड़ा स्मार्ट समझते हैं लेकिन स्मार्ट होते नहीं है, उनसे बड़ा उनसे बड़ा अकलमंद कोई होता ही नहीं है, बस समझ जाए, हाँ समझ जाए बस। So,
bütün adıyla kandallı Debra patay ödün açık adalla Hayat rüzemiz garay oda dallı bakalım अच्छा जी और इसके अलावा क्या खबर है ऐसी जो हम आपको शेयर करेंगे IMF की शर्त जो है वो नजरअंदाज करके हुकूमत ने पेट्रोल पर सेल्स टैक्स सिफर करने का जो है वो इंदिया दे दिया है क्या बात है भाई वाह वाह और साथ ही साथ कोविड गया नहीं है बता दूं मैं आपको रोजाना याद दिलाती हूँ भाई कोविड अभी तक गया नहीं है ठीक है ना और इसके अलावा मेरे ख्याल से इतनी खबरें काफी हैं क्योंकि चल रहा है 27 मार्च से पता ना क्या चल रहा है लॉन्ग मार्च नहीं 27 मार्च नहीं 27 फरवरी से क्या हो गया भाई अच्छा जी तो चैलेंज आपके स्टार्स की बात करते हैं देखते कौन कौन से स्टार हैं जो क्या क्या कह रहे हैं एक्वेरियस के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा तो आज दूसरे अफराद से अपना तकाबुल मत करें बल्कि उन्हें बराबरी का मकाम देकर कुछ हासिल करने की कोशिश करें अपना जहन भी खुला रखें आपकी हमदर्दी और खुलूस की वजह से ही कोई आपको बहुत याद कर सकता है और आपके महबूब को भी आपकी मोहब्बत भरे अल्फाज का शिद्दत से इंतजार होगा और यकीनन ये खुशी की बात है कि आप भी ऐसा ही सोच रहे हैं अगर किसी फर्द की जानिब से कोई नई खबर सुने तो उसके पास पर्दा छुपे हुए मफादात को जरूर समझें और अगर सरमायाकारी का इरादा है तो आज मोहतात रहें रकम को जाया मत करें दूसरों की खैर खाही में जज्बाती होने की जरूरत नहीं क्योंकि अपने वादों को नजरअंदाज करके किसी मंजिल तक पहुंचना आपके लिए मुश्किल साबित हो जाएगा बात करेंगे हम पाइसिस की पाइसिस के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा आज अपने सामने आने वाले मौकों से भरपूर फायदा उठाने की कोशिश करें ताकि बा आसानी आगे बढ़ सके लेकिन ऐसी भी जल्दी मत करें कि सोचने का मौका ही ना मिल सके यानी कोई अहम फैसला उजलत में ना करें कोई क्योंकि जो है वो जल्दी का काम शैतान का होता है और आप दूसरों की बेहतरी के लिए बहुत सा वक्त सर्व करना चाह रहे हैं जबकि आपकी अपनी जिम्मेदारियां ही आपकी जान नहीं छोड़ रही इसलिए जज्बाती मत और सोच समझ कर ही अमली कदम उठाएं जब कोई आपका मददगार बन जाए और आपकी सोच के मुताबिक आगे बढ़ने की कोशिश करे तो आपको यकीनी तौर पर बहुत खुशी हासिल होती है अपनी खुराक और सेहत का ख्याल रखते हुए मुकर्रा वक्त के मुताबिक वर्जिश करें ताकि थकावट आपकी खत्म हो सके अच्छा लोग कहेंगे कि वर्जिश करने के बाद थकावट होती है लेकिन ऐसा नहीं होता वाकई में ऐसा आप जब आप एक्सरसाइज करते हैं ना तो आप रिलैक्स हो जाते हैं आपका माइंड भी रिलैक्स हो जाता है और आपकी थकावट भी दूर हो जाती है एग्जैक्टली ऐसा ही है तो बात करते हैं एरीज के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा आज आपकी जाति कशिश जो है अपने उरूज पर होगी और ये बेहतरीन वक्त है कि अपनी खूबियों को जो है मुख्तलिफ अमूर या शोबों में इस्तेमाल करके अपनी मर्जी के नतायज हासिल कर सकें खासकर अपने पुराने ताल्लुकात को नए सिरे से इस्तवार करें या नए शुरू होने वाले बंधन को मजबूत तर बना लें अगर आप आज भी तन्हा हैं तो आज नई रिश्तेदारी के लिए मौके में असर आ सकेंगे किसी ख्वाब की ताबीर में अपना वक्त जाया ना करें बल्कि अमली इकदाम के लिए अपने आप को तैयार रखें उसके अलावा अपनी कारोबारी उलझनों को भी सुलझा सकेंगे आज आपको अपने तमाम तर अहदाफ और ख्वाहिशात को जरूर मद्देनजर रखना चाहिए ताकि आपका एतमाद और मुकद्दर आपको कामयाबी की मंजिल की जानिब ले जा सके बात करेंगे टॉरस के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा आज आप बिला खौफ और झिझक अपना मकसद वाज़ेह अंदाज में दूसरों के सामने बयान करके अपना मुद्दा हासिल कर लें अगर कोई फर्द आपसे इख्तलाफ राय का इजहार करे तो बुरा मत माने बल्कि तहम्मुल मिजाजी से अपना तजिया करके अपनी इसलाह कर लें और अपने लिए जो है वो खुशी मनाने के लिए तैयार रहें आज जो है वो आपके जो प्यारे हैं वो आपको कोई अच्छी खबर सुनाएंगे और आपका अपनी ईजाद पर एतमाद ही एक ऐसा जादू है जो किसी भी दूसरे फर्द को आपका गर्विदा बना सकता है जो आपके लिए फायदेमंद भी साबित होगा और ऐसे में किसी दूसरे फर्द के कंधे भरकर अपना काम निकालने से गुरेज करें बात करेंगे जेमिनाई के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा आज अपने जारहाना मूड को दूसरों के सामने तहजीब के दायरे में लाने से ही अपनी शख्सियत का भरम कायम रख सकेंगे जबकि असल में आपके चेहरे से ही जाहिर हो जाएगा कि आप क्या सोच रहे हैं कि जिसे समझदार अफराद के लिए बात को समझना कुछ मुश्किल ना होगा आज आपके कुछ मामला ताखीर का शिकार हो सकते हैं इसलिए उनके बारे में चिड़चिड़ापन सर पर सवार ना करें क्योंकि आपके दोस्त आपकी मदद करने को तैयार है मगर उससे ये मत समझे कि आप उनसे कोई बड़ा फायदा हासिल कर पाएंगे इसके अलावा आज आप खुद को सामाजिक बंधनों के बोझ से आजाद करवा सकेंगे लेकिन कुछ नई मुलाकातें और हंगामा आराई आपको बेहद थका भी सकती है इसलिए खुद को काबू में रखें बात करेंगे कैंसेरियंस की कैंसेरियंस के लिए आज का दिन कैसा रहेगा आज अपने सितारों की मौजूदा पोजीशन की वजह से नए अफराद के साथ बाहमी मजाकरात से बेहतर फायदा उठा सकेंगे जबकि पुराने दोस्तों के साथ नए हालात के मुताबिक एक साथ काम करने से अपने तयशुदा अहदाफ को हासिल करने में भी यकीनी कामयाबी हासिल कर सकेंगे
आज आप अपनी कुदरती जहानत और होशियारी के साथ पूरे एतमाद अंदाज में अपनी मंजिल के हुसूल की कोशिशों में कामयाब हो जाएंगे, जबकि उलझे हुए तमाम मामलात को बआसानी आप सुलझा सकेंगे। कुछ नए मौके भी आपके सामने आ जाएंगे कि जिसके बाद आपको एक बड़ा कारोबारी मुआहदा भी मिल सकता है, जिसमें आप कामयाब भी हो जाएंगे और जिसका मजबूत असर आपके दीगर अमूर पर भी जरूर मुरतब हो सकेगा। ठीक हो गया तो चलें जी, बात हो गई आपके स्टार्स की, अब हम क्या करते हैं, हम आपके कमेंट्स को शामिल करेंगे, देखते हैं कौन कौन कहां कहां से मौजूद है। नूरुलैन कहती है आप ये सॉन्ग जाते जाते लगाते, कौन सा? अच्छा ये वाला नहीं ना, जाते जाते क्यों लगा दी, सही है ना, आते ही लगा दिया। नजब खराल गुड मॉर्निंग कहते हैं बहुत शुक्रिया मायरा आवान, वालेकुम अस्सलाम, वेरी वेल, आप बताइए आप कैसी हैं मायरा, ठीक हैं आप, खैरियत से हैं। नजब खराल वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, आ कहते हैं कि अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, बहुत शुक्रिया और जजाकल्ला। और साथ ही साथ पर आज के दिन एक ऐसा सॉन्ग है, जा रहे हैं तो जाके बिरयानी बनाना और समोसे हद है। किंजा शाहजेब कहती हैं कि आबी जी आपने तो सैड सॉन्ग लगा दिया पहला, तो ये सैड था, चलो ठीक है कोई नहीं, क्या हो गया। साथ ही साथ मोहम्मद फराज कहते हैं कंजूस कौन होता है तारीफ करने में, भाई बहुत सारे लोग कंजूस ही होते हैं, बहुत कम ही लोग होते हैं जो दिल खोल कर तारीफ करते हैं लोगों की, कहते हैं मैं तो नहीं हूँ, रोज आपकी तारीफ करता हूँ, बस कर दो तुम मेरी तारीफ करोगे, तुम तो मेरी तारीफों से जेलस हो जाते हो, तुम क्या मेरी तारीफ करोगे। उस्मान शायद कहते हैं सलाम सिस्टर, वेरी नाइस शो, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। साथ साथ मजर अब्बास वीहा कहते हैं फ्रॉम लिया पंजाब, सलाम आरजे सईद फरहान अली शो, वेरी नाइस, सलाम टू ऑल, वालेकुम अस्सलाम एंड बहुत शुक्रिया। राणा कामरान कहते हैं मैंने किसी से गलत बातें नहीं की हैं, और कल एक क्या कहा कि तुमने मुझे चोर, किसी एक शख्स ने कहा कि तुमने मुझे चोर कहा है, कौन सी बातें कहाँ की, आगे बातें कहाँ करते हैं भाई, समझ नहीं आता मुझे। रुबीना अस्सलाम वालेकुम कहती है, वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है रुबीना, कैसी हैं आप, ठीक हैं, खैरियत से हैं, अम्मी ठीक हैं। उमर मसूद कहते हैं बैकग्राउंड में चलने वाले सॉन्ग का नाम तो बताएं, ये वाला जो भी चल रहे हैं, दिस इज देखिया ला वेस्ता, ठीक है सर्च करें जाए। साथ साथ नूरहान जौहान कहते हैं सलाम अलैकुम, गुड शो, नाइस वॉइस, क्या हाल है आरजे, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। फराज कहते हैं कि आज बहुत खुश हूँ, क्यों भाई क्यों खुश हो, चलो अच्छी बात है, खुश रहो भाई, खुश रहो मेरे भाई। राजा सुलकरन कैरी कहते हैं अस्सलाम वालेकुम एंड आदाब, वालेकुम अस्सलाम, और ये क्या हो गया, अच्छा चले ठीक है, कोई नहीं, खैर कहाँ चले गए कमेंट्स, कहाँ गायब हो जाते हैं अचानक से। हाँ जी साथ साथ अच्छा जी फराज कहते हैं तुझको ना देखूं तो दिल घबराता है, देख के तुझको दिल को मेरे चैन आता है, कौन है भाई है। मसूद साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम महारानी सैयदा फरहाना अली पाकिस्तान की बाहुबली। वालेकुम अस्सलाम कहते हैं सबसे पहले आपकी आरजे बिरादरी इमरान हसन और रूसा की पहली पसंद के जन्मदिन पर हम सब की और हम सब की जानिब से जो है वो बधाई पेश करते हैं। कमेंट स्क्रॉल हो गए, चलें जी इमरान हसन को जो है वो हैप्पी बर्थडे, मे यू हैव मेनी मेनी मोर इमरान, अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा खुशियाँ और कामयाबियाँ अता फरमाएं, और आप जो है अपने माँ बाप का फ़ख्र बने जैसे बने हुए हैं और खुश रहें हमेशा, आमीन। स्वामी ज़्यादा काश कहते हैं गुड मॉर्निंग आबी जान, देखिए मैंने पहले विश कर दिया लड़की रूसा, अब तुम कह रहे हैं मैंने विश नहीं किया। और साथ साथ ज़ायदा काश कहते हैं कि कैसी हो आप जान, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और आप कैसे हैं मेरे भाई, आप ठीक हैं, खैरियत से हैं। एम आर एस खान कहते हैं अस्सलाम वालेकुम रहाना, कैसी हो आप, तबीयत और मिजाज कैसे हैं आपके, घर में सब कैसे हैं, गुड मॉर्निंग। आई एम मुराद खान फ्रॉम कराची, आई एम बैक टू कराची टू होम, वाह वाह क्या बात है, वालेकुम अस्सलाम, जबरदस्त हो गया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और साथ ही साथ एम आर एस खान गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया। और नूर खान चौहान कहते हैं कैप्रिकॉन के बारे में बताएं, हाँ बताएंगे ना कैप्रिकॉन के बारे में, क्यों नहीं बताएंगे, मैं हमारा अपना स्टार है कैप्रिकॉन। तो ज़्यादा काश कहते हैं अभी टॉपिक बता दें, टॉपिक हमारा ये भाई आपने बताना आपने लास्ट टाइम कब किसी की क्या तारीफ की थी, किसी और ने अगर आपकी कोई तारीफ की हो तो आप वो भी हमें बता सकते हैं, राइट। और साथ ही साथ आपने बताना है कि आपको लोगों की कौन सी बातें याद रह जाती हैं, क्या आप कौन सी बातें लोगों की याद रखना चाहते हैं, ये भी बता सकते हैं। मलक सरफराज मलक मलक
मालक धर्मराज कहते हैं कैसी आप जानी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वालेकुम अस्सलाम नमन खान कहते हैं गुड मॉर्निंग माय स्वीट हार्ट से बहुत शुक्रिया मेरे भाई। और आमना आ गई है आमना ना अली रजा की आईडी आ गई है अस्सलाम वालेकुम अदर मसीद पर हाना प्रिंसेस हैं प्रिंसेस और साथ ही साथ आमना तो अपना नाम लिखना भूल गई हो। और एम आर एस खान कहते हैं नाइस वॉइस फरहाना बहुत शुक्रिया अम्बर इस्लाम आ गई कहती है अस्सलाम वालेकुम गुड मॉर्निंग बड़ी वालेकुम अस्सलाम क्या हाल है बड़ी गुड मॉर्निंग क्या हो रहा है बड़ी। और अली अज़हर बलोच कहते हैं अस्सलाम वालेकुम सब खैर वालेकुम अस्सलाम। एम आदिल कहते हैं कि अभी कल मैं ट्रेन ट्रिप पे था तो इसलिए कल आपको ना शो नहीं सुना सुनने का गुनाह ले लिया मुझे माफ करना। चले ठीक है माफ किया आपको कल तो आप सफर में थे और सफर में तो आप आसानी से हमारा शो सुन सकते थे भाई आपका सफर भी अच्छा हो जाता। अली रजा कहते हैं यानी कि आमना कहते हैं गुड मॉर्निंग अटेंडेंस प्लीज हाँ जी अटेंडेंस मार्क कर दी आमना। और इसके अलावा नुमान खान वालेकुम अस्सलाम मलक सरफराज कहते हैं कराची से सुनते हैं कराची से सुनते हैं और नाम है मलक ओके। और साथ साथ रुबीना कहती हैं कि जी माशाल्लाह सब ठीक है अम्मी भी काफी बेहतर हैं अमरुद खा रही हूं मैं। चलो जबरदस्त हो गया रुबीना आपकी अम्मी के लिए बहुत सारी दुआएं अल्लाह ताला जो है वो उन्हें खुश रखे और सलामत रखे सेहत और तंदुरुस्ती वाली जिंदगी अता फरमाए आमीन ज़ुमामीन फराज़ कहते हैं तौबा तौबा सच कहा है लोगों ने तारीफ करने के बाद ना भूल जाते हैं कि तुमने कभी तारीफ की। हाँ तुमने की होगी कभी तारीफ मेरे भाई किसी दिन की होगी मेरी बर्थडे वाले दिन कर दी होगी तुमने कोई तारीफ हाँ मुझे बताया किसी दिन कर दी होगी। रोजाना तो नहीं करते ये तो मत कहा करो कि रोजाना तुम मेरी तारीफ करते हो पहले के लोग झूठ बोलते थे ना अगली सांस भी नहीं आती थी उनको आजकल के तो लोग ना बड़े बड़े धोखे देके चले जाते हैं और कोई फर्क ही नहीं पड़ता उनको लेकिन खैर कोई बात नहीं वो क्या है ना कि कार्मा इज देयर। नहीं खैर कहाँ से कहाँ निकल गई नहीं मजाक करी मेरे भाई फराज। रुबीना कह रही है खाऊंगी नहीं जजाक गला जी बारह गला बहुत शुक्रिया। और अमरूद मुझे इतने ना खास पसंद नहीं है एक्चुअली अमरूद का टेस्ट पता नहीं क्यों मुझे थोड़ा अजीब लगता है। जैन बाबा कहते हैं सलाम फरहान आप कहते हैं कितने नखरे इस लड़की के ना ये भी नहीं पसंद और वो भी नहीं पसंद तो पसंद क्या है ना नखरे तो बहुत है ये बात तो सच। नुमान खान कहते हैं ग्रेट शो थैंक यू सो मच लेकिन मैं अमरूद खाती जरूर हूँ लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं अमरूद खाती नहीं हूँ। देखिए अल्लाह ताला ने कोई भी चीज जो है वो बिला वजह तो नहीं बनाई है ना वो एक फल है तो उसका कोई ना कोई तो फायदा होगा ना। अली रजा कहते हैं कि हाउ अबाउट यू हैं लड़की आज कौन सी इंग्लिश आ रही तुम्हारी आमना हैं। और अवेज बलोच वालेकुम अस्सलाम कहते हैं मेरी प्यारी सिस्टर कैसी हो वालेकुम अस्सलाम आई एम वेरी वेल अल्हम्दुलिल्लाह। अली रजा ये दूसरे वाले अली रजा कहते हैं सलाम बाजी वालेकुम अस्सलाम मेरे भाई। तो फराज अच्छा रुबीना कह रही फराज ना लड़कियों को नहीं बस किसी एक लड़की को बोल रहा है समझ जाया करो फराना वो अच्छा ठीक है हाँ समझ गया सही है फराज मेरे भाई सही जा रहे तुम। नुमान खान कहते हैं आपकी आवाज बहुत नाइस है चले बहुत शुक्रिया थैंक यू सो मच। शहजाद खरल कहते हैं कि लैया से सुनते हैं बहुत शुक्रिया। नुमान खान कहते हैं कि आई मिस यू हैं बट आई डोंट मिस यू। और साथ साथ फराज कहते हैं लास्ट टाइम तो लोगों ने तारीफ की थी कि अरे बात सुनो लोग एनी टाइम ना तारीफ करते हैं मेरी बात कर दो बेटा। रुबीना कहती है आज मैं खुश हूँ रात को सुकून से सोई क्या शुक्र है अल्लाह पाक का कि अमरूद खा रही हूँ मैं हाँ जी जबरदस्त हो गया। वो कहती है सॉरी अभी कल ना कमेंट नहीं किया मैं शो सुन रही थी मैं ना है तो कल कौन कमेंट कर रहा था भाई तुम किसी और आईडी से कमेंट कर रही थी कौन था भाई। साथ साथ अमर कहती है आई एम फाइन व्हाट अबाउट यू बड़ी आई एम वेरी वेल आई एम माशाल्लाह बेहतरीन क्यूट मासूम अंबर यू नो कितनी मासूम है आप तो जानती है ना। मतलब आप कहते हैं टॉपिक टू पर मेरी क्या तारीफ उस खुदा की जिसने हम सबको बनाया बेशक कहते हैं आखिरी तारीफ अभी कल आपकी दोस्त आरजे हुमैरा सदफ ने अपने शो में अकबर आजम का खिताब दिया हाँ वो तो मैंने सुना मैं यहीं बैठी थी। नुमान खान कहते हैं आपकी पूरी टीम को सलाम और आपकी फैमिली को भी चले जी वालेकुम अस्सलाम। नूरुलैन कहती है अभी कुछ तो गड़बड़ है किस बात की गड़बड़ है क्या होगी नूरुलैन कौन सी गड़बड़। पर आज कहते हैं कहना क्या चाहती है खैर छोड़े अब नहीं करूंगा तारीफ ना करो तारीफ। दादा काश कहते हैं कि ये आमना है ये जिन है या कोई कहीं से भी आ जाती है ये वो जिन है जिसके पास कोई करिश्मा नहीं है। जैन बाबा कहते हैं बनाना बाजी आज सनी भी आपको ना सुन रहे हैं
और आपको सलाम कहते हैं आरजे चैलेंज जी, बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह फराज करते, किसी को नहीं बोल रहा रुबीना बहन ना सिरप भी हो जागे नहीं, रुबीना ने सही बोला फराज साहब, तुम कवर मत करो मलिक साहब। वालेकुम अस्सलाम अंकल, कहते मेरी प्यारी शहजादी बेटी तो माशाल्लाह बहुत ही हसीन है। हाँ जी ऐसे ही अंकल, आप सही पहचाने, कहते अल्लाह पाक का तोहफा है मेरे लिए शहजादी बेटी के बज़्म में बहुत ही हसीन है। अल्लाह पाक मेरी रानी बेटी को कुछ और सलामत रखे, कुछ और सलामत रखे। और कह रहे हैं इज्जत तो आफिया सेहत वाली कामिल ईमान बरकत वाली लंबी जिंदगी नसीब फरमाए और दोनों जहां की कामयाबी नसीब फरमाए। आमीन सुभान, जज़ाकअल्लाह बहुत शुक्रिया, आपके लिए भी ढेर सारी दुआएं सजाद अंकल। और मलक सर फराज कहते हैं कि अभी मैं ना टेलर का काम करता हूँ, आपका शो सुन रहा हूँ। अरे वाह क्या बात है, आपने ना वो एक हमारे एक वो थे लिसनर ना, उन्होंने ना कमीज उल्टी काट दी थी मेरा शो सुनते सुनते उन्होंने गलत सूट काट दिया था, बताया आपको, आपने ये नहीं करना टेलर मास्टर ख्याल रखना है। फराज कहते प्ले दिस ट्रैक, प्यार है मुझे तुमसे, प्यार से डर लगता है। हाँ तो तुमने तो उसके नाम की कब तोड़ दिया भाई कुर्ता, तुमने उसके नाम को अपनी बहन को, वो नहीं सॉरी बहन को नहीं भाई को दे दिया भाई को दे दिया तुम्हें तो डर लग नहीं है तुम नहीं डरोगे तो कौन डरेगा। रुबीना कहती हाँ ना कल मैसेंजर पर एक आरजे साइमन का मैसेज आया, वो बोले कि ना हुज़ैफ़ा मेरा शो सुनो आपकी काली बिरयानी बहुत फेमस है एफ एम पर, आप आओ ना मेरे शो में भी है। अच्छा इसका मतलब है कि वो जो ना मेरा शो सुनती होगी, सीधी सी बात है। और देखिए यार मतलब क्या कैलिबर है ना ये कौन लोग, ये कौन से आरजे हैं कि अब लड़कों के नहीं मतलब सबको जाके बोल रहे हैं कि भाई आप हमारा शो सुने आगे, वो ये सही मैसेंजर पर जाके पर्सनली बोल रहे हैं, ये कैलिबर है यार, वाह वाह वाह। साथ साथ काशिफ अली मलिक, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप, खुश आमदीद आपको बहुत सी नेक तमन्ना और दुआ के साथ, बहुत शुक्रिया आपके लिए बहुत सारी नेक और तमन्नाएं। और फराज कहते हैं सच्ची आपकी कसम बेटा, मेरी कसम खाने की जरूरत नहीं है, तुम तो झूठी कसम खा के मुझे मेरा तो टिकट कटवा दोगे कोई जरूरत नहीं है मेरी कसम खाने की। और आप ना कहती हैं फैमिली के साथ शो सुन रही हूं मैं, और मेरी अम्मी आपको कॉल करने कर रही थी कल, और मेरी अम्मी आपसे बात करना चाहती थी और गर्ल ले था नहीं तो आज भी कॉल कर सकती है, कोई मसले वाली बात नहीं है। कह रही है वैसे तो नंबर तो बिजी होता है आप भी जान, हाँ कोई बात नहीं, आज तुम पता है काम करना कि आज कॉल करना आमना, ठीक है, कल तुम्हारे नाम से ना किसी और ने कॉल की थी और उनकी ना होशियारी पकड़ी गई थी। राजा कहते हैं अभी अक्सर ना लोगों की होशियारियां पकड़ी जाती हैं, फिर ना वो पता है क्या, कुछ लोग तो एक्सेप्ट कर लेते हैं, कुछ लोग इतने ढीठ होते ना एक्सेप्ट ही नहीं करते अपनी गलती, अपना गुनाह भी एक्सेप्ट नहीं करते कि हमने क्या किया है भाई, कहते नहीं हमने तो किया ही नहीं, हम तो शरीफ हैं, हम तो कुछ करते ही नहीं है, अल्लाह माफ करे। खैर जी जाहिद आकाश कहते हैं अभी अपनी मुझे बेइज्जती याद रहती, तारीफ नहीं जब मैं पैदा होता ना तब मेरी बहुत तारीफ हुई थी, हाय देखो तो चांद सा बच्चा है, वो भी आखिरी तारीफ थी मेरी पहली और आखिरी तारीफ होगी मेरे को। अली असगर बलोच कहते हैं मेरा दोस्त आबिद अली कराची से सुन रहा है, चैलेंज जबरदस्त हो गया। और जैन बाबा कहते हैं वाजी आप हंसती हैं तो बहुत अच्छी लगती हैं, ऐसे ही हंसती रहा करो माशाल्लाह। हाँ जी जज़ाकअल्लाह बहुत शुक्रिया। फराज कहते हैं कितने नखरे हैं आपके, जो भी लग रहे हैं ना खा लिया करो, कोई भी नहीं देखता आजकल नखरे, तो तुम ना देखो भाई उठाने वाले नखरे उठाएंगे मेरे, बस तुम बस जो है ना चिल करो फराज, सही है, ऐसे लोग हैं बहुत ज्यादा स्पेशल जो मेरे नखरे उठाते हैं और उठाएंगे। रुबीना कहती है फरहाना वो फरहाना काशिफ भाई तो हमारे दूल्हा भाई निकले, आपको पता है उनकी वाइफ हमारे 10 नंबर से है फूल गली वाली सारे, वाह भाई क्या बात है, वाह वाह, इनके लिए तो काली बिरयानी आपकी फर्ज है। नूरुल्लाह कहती है आप ही मुझे लोगों की तारीफें याद रह जाती हैं सच्ची से सच्ची सी हैं ये तारीफें दिल से जो मैंने करी है फराज कहते हैं तो आप दे दो ब्लैक कुर्ता, मैं क्यों दे दूं भाई, इतना फ्री क्यों हो रहे बेटा, मैं क्यों दूं मैं क्यों दूं ब्लैक कुर्ता। सो साथ साथ मैं तो कभी ना दूं, मैं तो किसी को भी ना दूं मजा कहते हैं कि अपने अमरूद का हलवा सिंघाड़ा खाया है
अमरूद का, अच्छा वो कह रहे हैं अमरूद का अलावा हलवा या अलावा क्या है ये, सिंघाड़ा खाया है, हाँ सिंघाड़ा तो मैंने खाया, कह रहे हैं मैंने तो बचपन में अमरूद भून के और सिंघाड़ा चुरा कर बहुत खाया है, क्योंकि मेरे घर के सामने एक बड़ा सा तालाब था, मगर अब नहीं क्योंकि यहाँ भी मलिक रियाज बहुत है। सही है, सही हो गया। हाँ अमरूद जो है ना वो, लेकिन वो खांसी में वो कहते हैं ना एक टोटका इस्तेमाल करते हैं अमरूद को ना, अच्छी तरह से भून के बिल्कुल उसको जो है ना एकदम अंगारा बनाया उसका, बिल्कुल उसको एकदम क्रश करके ना, जिसको खांसी हो और यू नो तब खा सकते हैं, वैसे भी खा सकते हैं अमरूद जो अच्छी चीज है। तो सास और रूबी ने कहती है हाँ ना संडे को शो आता है यार, उसका बड़ी अच्छी लड़की है, अच्छा वगैरह वॉइस पर बात हुई उससे, अच्छा लगा, मैंने तो आपकी बहुत तारीफ की, गुड लड़की है वो। हाँ तो मैंने कब कहा कि बुरी है भाई, अच्छी होगी भाई, जरूर अच्छी होगी, लड़कियां अच्छी होती हैं। और सास और रूबी ने कहती है यार मुझे पता नहीं था कि गूगल पर भी शो होता है, संडे को 10 बजे आता है। अच्छा ठीक हो, गूगल पर शो होता है। और साथ साथ फराज कहते हैं अल्लाह ना करे आपका टिकट कटे, तौबा तौबा बेटा, तो तुम मेरी झूठी क्लास में खाओगे तो फिर ऐसी होना है। उस्मान शायद बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। काशी वाली वाले कहते हैं कि कल सब घर वालों और मेहमानों को घुमाने के लिए लेकर गया था, बहुत मजा आया। आपकी दो पता नहीं क्या लिखा है, पुरानी और दो न्यू भाभियां भी गई थी, पुरानी और न्यू भी, अरे वाह क्या बात है, जबरदस्त हो गया भाई, अच्छी बात है। नमान शायद कहते हैं कि नेशनल सॉन्ग प्ले करें, नेशनल सॉन्ग 10 बजे के बाद प्ले होता है भाई, क्या हो गया उस्मान। पश्मीना कहती है अस्सलाम वालेकुम आबी जी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ पश्मीना, आप बताइए आप कैसी हैं, आप ठीक हैं, खैरियत हैं? रुबीन कहते हैं शो के नाम है हैं क्या कह रही थी। और रोशन अली कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। मेरे फराज बेटा नहीं भाई है सबका भाई, देखो मैं तो फराज को बेटा भी बोलूंगी भाई भी बोलूंगी, आपको कोई मसला है? रोहान अली है, आपको कोई मसला है? नहीं मसला है आपको, कोई भाई तो वो है, वो मेरा भाई तो है, तभी तो मैं उसको बेटा बोलती हूँ। वैसे ना बहने ना अम्मियों की जैसी होती है, तो बस ऐसे ही है। सजाद हुसैन साहब कहते हैं कि बेटा जी मेरी पहली और आखिरी तारीफ तो सिर्फ बेटी सईदा फरहाना अली और बेटी हुमैरा सदब के लिए है, जो मुझे अपनी जान से भी ज्यादा अजीज है। क्या बात है अंकल, साथ साथ टाइम चेक भी आ रहा है भाई। और काशी वाली मलिक कहते कल एक छोटी की तो सबने जो इज्जत की सब मैसेज देखे थे रात को, कल एक छुट्टी की तो, अच्छा ठीक हो गया, क्या कौन सा मैसेज देख लिया भाई। और जायद आकाश कहते हैं काशिप भाई आप हमारे हमसाए हमसाई ले गए हैं। हाँ तो क्या हो गया हमसाई, तो क्या शादी नहीं होगी। आमना कहती है कि किसने कॉल की थी मेरा नाम से, कौन है वो, मैं जो करती हूँ सबके सामने करती हूँ, कल एक लड़की आई थी, कौन थी वो अभी यार। आमना भाई, आमना ये तुम्हें बताओ भाई, वो कह रही थी तुम्हारा फोन लेकर आई है। वो कह नहीं रही थी, मैंने उससे कहा तो उसने कॉल ड्रॉप कर दी। और रुहान अली कहते हैं कि आर्मी की तरफ से सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। साथ साथ रुबी ने कहती है कि देखो बरहाना अब बस मैं कोई एक बात कर दूं ना तो कसम से ना तबसरा होने लगता है कि आपके शो में अब फरहाना अमरूद को ही ले लो, यहाँ पे ना सारे लोग फारिग हैं अरुबीना। जो लोग तब से रेकेटना शुरू कर देते ना अमरूद पे, नहीं मसूद साहब के अलावा, मसूद साहब ने तो बहुत अच्छी बात आई, मसूद साहब के अलावा जो बोंगे मारते ना, जो तब से रे कर रहे हैं, ये खा लिया करो, वो खा लिया करो, नखरे नहीं किया करो, नखरे कौन नहीं उठाता, लोग कोई नखरे, लड़कों की कोई नखरे नहीं उठाता ना, बस सारी बात जले सुना शुरू हो जाते हैं। रुबीना कहते हैं काशी भाई की शादी को मुबारकबाद, चले जबरदस्त हो गए। रोहान अली कहते हैं रुबीना दो रकात नफिल पढ़ लेना। आप मशवरे देने आए हैं रोहान अली, या बाकी आप मेरा शो सुनना है, जरा मुझे बताइएगा, मैं जानना चाहती हूँ। साथ साथ रुबीना कहती है अरे शो का नाम है म्यूजिक लाइफ, अच्छा चले जबरदस्त हो गया। और उरुसा अभी को मेरी तरफ से हैप्पी बर्थडे टू यू, उरुसा की हैप्पी बर्थडे नहीं, क्या हो गया अपना। काजी वाली बोले कह एक भाभी भी शो सुन रही है, वो भी आपको अस्सलाम वालेकुम बोल रही है। चले जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। अब भाभी जी ना हमारी वो भी सुनेंगी जो आपकी इज्जत होती है। वो सुनेंगी तो फिर क्या होगा। चले जी टाइम चेक के हमारे पास वापस आते, टाइम चेक के बाद फिर करेंगे आपसे मजीद बात, जब तक आपने कहीं नहीं जाना ठीक है ना, वापस आते इसके पास। सो हियर वी गो 98.2 आपके दिल की आवाज सिर्फ ZUFM 98.2। ZU 98.2 I am
सुबह की ताजा खबर, औसम मौसम और क्या कहते हैं आपके सितारे, ये सब और ढेर सारा फन। It's 10 a.m. This time check is brought to you by Ziauddin College of Medicine. Дикая львица, ты моя царица, Сопой Мариванна меня зачаровала. Дикая львица, ты моя царица, Нужен алкоголь, но же выпьем за любовь. Снова ругать гандалы, на руки мои ты надела кандалы. Пропадают и ночью катала, а я с друзьями сгораю до тала. Бокала подходит, похоже, с ума. Сумма в карманах у нас немала. Малая смотрит всю ночь на меня. Два виски с колы, детка моя. Из клуба ночью на машине тебе заберу. И не сказав родителям, на море увезу. Мы будем пить вино, потом пойдем смотреть кино. А после отвезу к утру тебя к себе домой. Тихая львица, ты моя царица. Сопой Мариванна меня зачаровала. Дикая львица, ты моя царица. Нужен алкоголь, но же выпьем за любовь. Yeah. Дикая львица, ты моя царица. Сопой Мариванна. All right, welcome back. Welcome back. आ चुके हैं and it's 1 minute past 10 on the dial right now. तो जी हमने आज मुझे आपने बताना है कभी आपकी किसी ने तारीफ की हो या आपने कभी किसी की तारीफ की हो आखिरी बार वो क्या तारीफ की, आपकी किसी ने आखिरी बार क्या तारीफ की, आपने किसी की आखिरी बार क्या तारीफ की वो शेयर करेंगे. साथ साथ आप हमें बताएंगे कि आपको लोगों की कौन सी बातें याद रह जाती हैं या कौन सी बातें जो है कौन सी बातें ना लोगों की याद रखना चाहते हैं. ये भी तो ऑप्शन होता है ना हमारे पास. Тихая львица, ты моя царица, Сопой Мариванна меня зачаровала. Тихая львица, нужен алкоголь, но же выпьем за любовь. अभी हम क्या करेंगे, अभी जो है वो एक ट्रैक की जाने जाते हैं. ट्रैक के बाद वापस आएंगे, आपकी कॉल्स को शामिल करेंगे और करेंगे आपसे बहुत सारी बातें, आपके कमेंट्स को भी शामिल करेंगे, आपके स्टार्स की भी बात करेंगे. लेकिन फिलहाल हम आपको गाना सुनवाते हैं और गाना कौन सा सुनवाएंगे, किसी ने गाना नहीं बताया आज. आज उरूसा नहीं आई ना, उरूसा गाना बताती कोई अच्छे. और अच्छा जी, एक गाना मुझे कल एक मिला तो था, अगर हम उसको प्ले कर दें, लेट्स सी कि वो गाना मिल जाए मुझे और उस पर कॉपीराइट का इशू ना हो तो फिर उसको प्ले कर देते हैं. या फिर हम अरे एक और भी तो था ना, चले ओके. लेकिन ये वाला भी मज़ेदार नहीं है. अच्छा चले हम ना वो वाला गाना प्ले करते हैं. ये गाना मुझे कल ही दिखा और अच्छा गाना था. लेट्स सी कि अगर इसको हम प्ले कर पाए. चलें जी हम ना ये वाला गाना सुन लेते हैं और वापस आएंगे. इसके बाद फिर करेंगे आपसे मजीद बातें. आपने जब तक कहीं नहीं जाना, होपफुली केस पर जो है वो कोई ना आए कॉपीराइट इशू. सो बस ये वाला सीन है, कॉपीराइट इशू नहीं आया तो अच्छी बात है, वरना तो हमारी स्ट्रीमिंग ब्रेक हो जाएगी. तो ब्रेक नहीं होना चाहिए. वापस आते हैं इसके बाद, ठीक है. कभी कुछ कहे कभी कुछ भी ना कह पाए, बिन पूछे ऐसे ही ख्यालों में निकल जाए, जरा भी दिल की समझ नहीं आई. हर पल किसी मुश्किल से लिपट जाए, कभी तो बिखर जाए कभी ऐसे मिट जाए, आंखों में नए नए सपने बसाए. प्यार का सिला ख्वाबों का सिलसिला, रंगे आरज़ू सांसों में घुला, याद में कटे रातों का फासला, लेके बेखुदी दिल चला, दिल चला, दिल चला, जाने कहाँ जाने कहाँ.
गुजर ले कैसे ये राग चेरे इस बार कहाँ ये संभले कोई नाक जो तन अब कर ले बहला इसे भी ना पहले मेरी ना एक माने अनजानी राह पकड़ ले बेकरारियां चलती है इंतजारियां पड़ती है ये खुमारियां दिल को ले जाएंगी कहां पट जाए कभी तो बिखर जाए कभी ऐसे मट जाए आंखों में नए नए सपने बसाए प्यार का सिला ख्वाबों का सिलसिला रंग आरज़ू सांसों में घुला याद में कटे रातों का फासला लेके बेखुदी दिल चला हो गया है सो नए नवेले या पुराने हो सब लोग कॉल कर सकते हैं
8686303 से नंबर टू कॉल। सो कॉल आना शुरू हो गई, जैसे ही नंबर ऑन किया मैंने वैसे ही कॉल फौरन से, आप लोग मतलब इंतजार कर रहे होते हैं ना, तो कॉल में शामिल करती हूँ, जरा सा इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है, फिलहाल हम क्या करते हैं, फिलहाल हम ये करते हैं कि आप करेंगे स्टार्स की बातें, बात करेंगे लियो की के लियो के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। अच्छा जी, सो आज अपने आप को मुहिमाती जज्बात के साथ बहुत से अमल इकदाम करने के लिए तैयार रखें, जबकि अपने ख्वाबों की ताबीर के हुजूर में अपने आप को मसरूफ करना जरूरी होगा, चाहे अपने प्यार की कुर्बानी ही क्यों ना देनी पड़े, लेकिन उससे आपका साथी मुनासिब वक्त ना देने की वजह से आपसे नाराज भी हो सकता है। सो आपके इर्द गिर्द मौजूद अफराद में से कुछ सीनियर अफराद जो है वो आपकी मौजूदा मनसूबों में दिलचस्पी ले सकते हैं, लेकिन उन्हें मुतमईन करने या उनकी अमली मदद हासिल करने के लिए आपको उस मौके पर कोई नया अंदाज इख्तियार करना होगा। उसके बाद ही आप उनकी मदद हासिल करके अपनी कामयाबी को मुस्तहकम कर सकेंगे, कि जिस हद तक मुमकिन हो उनके तजुर्बात से फायदा उठाने की कोशिश जरूर करें। और चलें जी, गाना भी खत्म हो गया, हम जो है वो अब आ जाते हैं जो हमारा यू नो जो ट्रैक है, जिसको रोजाना सुनने के बावजूद भी आप लोग तड़पते रहते हैं सुनने के लिए। चलें जी, कॉल को शामिल करते हैं, फिर उसके बाद दूसरे स्टार की बात करेंगे, देखते हैं कौन है हमारे लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे फरहान आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी, आप बताइए कैसी हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं रायमा बात कर रही हूँ कराची से। रायमा, आपसे पहली बार बात हो रही है ना? जी बिल्कुल। क्या करती हैं? हाँ भाई, वेलकम टू द शो। क्या करती हैं रायमा, आप बताइए ना? फिलहाल तो मैं स्टडी कर रही हूँ, ऐसे में हूँ, ऐसे हो जाएगा इस साल। अच्छा ठीक हो गया, आप कराची से बाहर गई हैं? मैंने बोल नहीं नहीं मैं कराची में रहती हूँ। कराची में रहती हैं, ठीक हो गया। नहीं वैसे वो उधर मुल्तान फैसलाबाद के लोग कहते हैं ना एफए, इसलिए मैंने कहा। नहीं नहीं मैं कराची में रहती हूँ। अच्छा ठीक हो गया। हाँ मैं भी आपकी साइलेंट थी, गुन्नी थी, घुन्नी थी, चलो गुन्नापन खत्म करते हैं। बहुत अच्छा किया आपने कि गुन्नापन खत्म किया। तो क्या कहेंगी रायमा, आखिरी तारीफ किसने की थी? कहूंगी टॉपिक वन पे कि मुझे लोगों के कपड़े याद रहते हैं। कपड़े याद रहते हैं। ये लड़कियों के काम ना, कपड़े याद रहते हैं। अच्छा अच्छा डिजाइन लग गया ना, चलो अब ये वाला ना ढूंढते हैं। बिल्कुल कपड़े याद रहते हैं, क्योंकि जब कोई एक बार सूट पहनकर आ जाए ना, वो दूसरी बार पहने ना, मैं फौरन बोल देती हूँ ये उस दिन पहना था। तौबा लड़की। हाँ तो वो अगली बंदी अगर होशियार हो तो बोले भाई हाँ तो मेरे घर में वॉशिंग मशीन है, धोते हैं हम कपड़े, ये थोड़ी। कुछ लोग होते हैं ना बहुत सही वे, इसमें एक ही जैसे कपड़े पहन रहे होते हैं। हाँ हाँ सही हो गया, ठीक हो गया, सही हो गया। और टॉपिक टू पे मैं बोलूंगी, कुछ लोग तो भाई पूरे हफ्ते एक ही एक दिन के बाद ना छोड़ छोड़ के वही शर्ट भी रिपीट कर लेते हैं। हाँ ये भी। अच्छा और बताओ, दूसरा बताओ। और दूसरा मैं टॉपिक पे ये बोलूंगी कि मेरी तो कभी किसी ने तारीफ नहीं की, अलबत्त मुझे ये बोला जाता है कि तुम पतली हो जाओ, मेरी तारीफ नहीं करते। पतली हो जाओ है, थोड़ी सी मैं मोटी हूँ। नहीं तो क्या हो गया भाई, बोले तो क्या हो गया, आपका कोई खर्चा आ रहा है, यहाँ आपका राशन पानी कम हो रहा है? सारे काम करते हैं हम भी, और नहीं तो क्या, हम बैठे रहते हैं। सही है, बस सही है भाई, कोई मोटा मोटा कुछ नहीं होता, ये तो हर इंसान के देखने का अंदाज होता है बस। हाँ यही बात है, सही है बस, जो कोई बोलता है बोल लेते हैं उसको। सुनने वाले को बोलना चाहूंगी कि मेरे फादर की डेथ हो गई थी पिछले मंथ। चले जी, अल्लाह ताला उनकी मगफिरत फरमाए, हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनको अपने जवारे रहमत में जगाता फरमाए, आमीन सुम आमीन। और मामा तो पहले ही नहीं थी मेरी। अच्छा, फादर भी चले गए। चलें जी, अल्लाह ताला आपको बस खुश रहें, खुश रहें, अल्लाह ताला जो है वो आपको सब्र जमील अता फरमाए, कि ये जो है वो लॉस कम नहीं होता, बस आप खुश रहा करें, हमारे शो में आती रहेंगी ना, बस टेंशन फ्री हो जाएंगी इंशाल्लाह। बिल्कुल, चले अल्लाह, चले अपना ख्याल रखिएगा, बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको बहुत ज्यादा खुश रखे, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। क्या बात है भाई, जबरदस्त हो गया, नैना को चुराइए तक के ना मर जाइए। तो चलें जी, कॉलर को शामिल करते हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है रमजान मलिक साहब? और सबसे पहले तो भाई आपको जन्मदिन मुबारक हो, अल्लाह ताला आपको बहुत ज्यादा खुश रखे और आपको कामयाबियां कामरानी और आपकी तमाम जायज मुरादों को पूरा फरमाए, आमीन। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जिसका दो दिन जन्मदिन मनाया। हम कल समझे ना, कल तीन तारीख है। मैंने कल सुबह फेसबुक ऑन की, जैसे वो बेटा वगैरह ऑन किया जाता है ना। हाँ जी, तो काफी सारे दोस्त साहब आपके पैसे, मैंने कहा यार जी कैसे, मैं तो नहीं भूल गया भाई। हाँ। तो फिर जन्मदिन देखा तो 3 तारीख था ना। हाँ जी,
मैंने कहा इतना चले इनकी मोहब्बत का, तमाम दोस्तों की मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया जी। अरे आपने कल भी याद फरमाया, आज भी आपने दुआओं से नवाजा और तमाम दोस्त अब आप इसमें भी याद जिनने याद किया बहुत बहुत शुक्रिया तमाम का। और हमारे पास कोई हाल है नहीं कि हम उनका शुक्रिया अदा करें, लेकिन कल आपने जमीन साहब को मैसेज सभी साल गुरा आज हो या कल हो हमने कौन सा केक खिला देना है नहीं कोई बात नहीं, रमदान मलिक साहब पहले जो है ना मिठाइयाँ खिला चुके हैं वो तो आप लोगों को खिला देते हैं ना, इन दोनों नहीं खिलाए तो ये खाए होंगे एक ही बात है। कुछ दिन तक इंशाल्लाह ताला कोई 8-7 दिन तक हम कराची में फिर ऐलान करेंगे इंशाल्लाह। आप जमीर साहब को जो चीज खाना चाहेंगे इनको मैं फिर आप फिर तो आपका तो बस फिर आप सोचे दिवाली ना निकलवा देंगे कहीं। चलिए अल्लाह ताला आपको लंबी जिंदगी अता करे, बहुत शुक्रिया तमाम का। तो मौजू जो है आपका एक मैं जरूर जवाब देना चाहूंगा जी कि मोहतरमा सैयद फराना अली साहबा हमेशा जो बातें होती है ना वो याद नहीं रहती, लेके याद रहते और रवैये जो रवैये लेजे और रवैया एक ही होता है तकरीबन मिलते हैं। और आप एक मुझसे बात कर रही है मुझे आपका इनके वो अल्फाज याद नहीं रहते, मेरा जो आपका अंदाज होता है बात करने का वो याद रह जाते हैं। क्या बात है, जज़ाक अल्लाह। बस सिर्फ यही होता है कि हम जहाँ भी जाते हैं अपने फोन की जैसे मेरी तकलीफ साहब ने फरमाया था कि मैं नहीं मानता कागज से लिखा शजरा नसब, बात करने से कबीले का पता चलता है बेशक। तो हम जब गुफ्तगु करते हैं तो ऐसी हमें गुफ्तगु करनी चाहिए क्योंकि हम दूसरे को तो कहते नहीं, दूसरे सारे माशाल्लाह डिग्री रखने वाले लोग हैं, हम अपने आप को ही डिग्री वाले लोग हैं। मुझे वो वाली बात याद आ गई आपकी, सही है ठीक है। हम तो अपने अपने आप को ये पैगाम देते हैं कि बस हम कोई ऐसी बात करें किसी की दिलाजारी ना हो और खसूसन उसमें आजजी हो, इनकसारी हो, बड़ापन उसमें शामिल ना हो, बस लेजे को दुरुस्त रखना चाहिए ताकि फिर अगर हम चले भी गए तो पीछे लेजे को याद रखें। बेशक बेशक, बहुत अच्छी बात। आपके फैमिली के लिए बहुत सारी दुआएं, जज़ाकअल्लाह, बहुत शुक्रिया। आपके लिए भी बहुत सारी दुआएं, अल्लाह ताला आपको बहुत ज्यादा खुश रखे और एंजॉय करें आज का दिन। आप सेलिब्रेट करते हैं या नहीं करते हैं? जी बिल्कुल, मैं चौथा मैं पहले तो नहीं किया करता था मैं, लेकिन जो साहब ने मुझे इस चीज पे वो मजबूर किया बल्कि हुक्म दिया थे आप यानी एक दिन इकट्ठा मैसेज भी आ रहे हैं कि हम आपको क्या बात है। तो ये चार दिन जो है चौथी साल भी रहे जो मैं बिल्कुल बकायदा तौर पे केक भी काटता हूँ। अरे वाह, और जितने मेरे पास मौजूद तशरीफ फरमा लाना चाह रहे होते हैं उनको भी बुलाता हूँ, इकट्ठे खाना भी खाते हैं, केक भी बनाते हैं। कि मैंने इसको अच्छा फील इसलिए किया कि चंद गलियां जो हम बैठते हैं वालों से मेरी वफात के बाद मैं कुछ अजीब सा बन गया था ना, क्योंकि ये उससे चौथी साल से है तो मैं थोड़ा सा ये फील करता हूँ, लेकिन वालों से अभी तो कमी उसमें महसूस होती है कि कमी जान पास नहीं होती, लेकिन बहुत अच्छा दिन गुजर जाता है, बिछड़े हुए दोस्त मिल जाते हैं, हो सकता है उनका कोई दुख दर्द हो तो हम डिस्कस कर लेते हैं उनका खत्म हो जाता है, मेरी जेहनी परेशानी हो तो वो खत्म हो जाती है। सही। तो इकट्ठे बैठने का एक ये इनके माहौल होता है जिसमें इनके दुख सुख एक दूसरे के साथ बांट के माहौल अच्छा। बेशक बेशक, बहुत खूबसूरत बात, जबरदस्त हो गया। जज़ाकअल्लाह, अपने ख्याल रखिएगा। अल्हाफ़िज़। ओके ओके, चलें जी नेक्स्ट कॉलर को शामिल करते हैं। एंड अस्सलाम वालेकुम। आ गया अंकल। क्या हाल है अंकल, कैसे हैं आप? मत पूछो। क्यों भाई अंकल? गुस्सा आ रहा है। क्यों अंकल? मत पूछो, मुझे गुस्सा आ रहा है अंकल। कॉल थी भाई अंकल, मैं बातें नहीं कर रही, मैं सच बता रही हूँ, कॉलर थे बैक टू बैक। तो मुझे पता है फिर क्यों गुस्सा आ रहा है। गुस्सा इसलिए आ रहा है, आज आप लेट क्यों आए, क्या ट्रैफिक जाम थी अंकल? वो ना क्लच का वायर टूट गया था। ओहो, इस वजह से। फिर क्या हुआ, रक्षे में आए? नहीं नहीं, सही करवा के आए, रक्षे में क्यों आएंगे अंकल। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बात थी। तो मुझे आवाज दे देते। नहीं अंकल, आप बहुत दूर थे। मैं दूर था? हाँ जी। हाँ बस ये हुआ है। चलो खैर, वो 5-10 मिनट लेट हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता अंकल। नहीं बस छुट्टी नहीं करते ना हम।
मैं दूर था, वो बात आपकी सही है, लेकिन मुझे अफसोस हो रहा है हाँ. कि मेरे पास पर नहीं है, वरना पर होते तो मैं अंकल बस आपकी मोहब्बत ही काफी है. और बताइए अंकल, आपको देखें सारे शोज मिल गए ना अंकल, देखें एक के बाद एक सारे शोज दे दिए मैंने. मैं वही तो मैं कहने वाला था हाँ. आपने मेरे मुंह से बातें छीन लेती है. देखिए अंकल सारे मैंने एक भी नहीं छोड़ा, बस खाली आज का और कल के रह गया, आपको वो भी आज मिल जाएंगे इंशाल्लाह, सही है ना. आपको पता है रात को ना इतने सारे शोज आए 11:30 बजे के बाद कि मैं बता नहीं सकता. बस मैंने कहा आज तो अंकल के जो है ना नोटिफिकेशन भर दो आज अंकल के सारे फोन में. अरे ईद का चांद नजर आ गया था बाबा, आप और आप यकीन करें उसमें से ना सब शोज मैंने, हालांकि आप दो तीन शोज मुझे एक साथ भेजती है ना जी जी, मैं सारे शोज सुनने के बाद मैं रात को सोता हूँ, आप यकीन जानिए अल्लाह गवाह है बेशक. मुझे पता है रात को आपने इतने सारे शोज भेजे तो मुझे इतनी खुशी हुई, लेकिन मैंने सारे शोज को ना एक तरफ कर दिया, एक सोच मैंने सुना बस, सही है, और मेरी खुशी जो आसमान तक पहुंच गई थी आप यकीन जाने. अरे वाह क्या बात है अंकल, इतनी दुआएं निकली है ना दिल से क्या वाकई आपने ना मेरी हसरत पूरी कर दी. अरे अंकल बस समझ गए होंगे. हाँ जी अंकल, हाँ जी अंकल, मैं नहीं समझूंगा तो कौन समझेगा अंकल. हम लोगों को कोई लिस्टनर को थोड़ी समझाना है. आ रहे हैं हाँ, बस अंकल देखें बस आपकी बेटी समझ गई ना, बस मेरी बेटी समझ जाए बेटी के बात, अंकल समझ जाए बस, और नहीं तो क्या बस. और हमारी मोहब्बत को कयामत तक आमीन सुमामीन सुमामीन. फराज आया नहीं आया? अंकल आया ना फराज, और बोंगी अंकल ये बोंगिया मारता रहता है ये लड़का, बस जलता रहता है. इससे आप पूछो कि अंकल कह रहा है कि आपने कौन सी स्कूल में पढ़ाई की है, आपको कौन सा ऐसा उस्ताद मिल गया, आपके उस्ताद का नाम तो बताओ. उस्ताद ने भी जो ना बोला होगा कि भाई मैं जो है ना मैं दस्तबरदार करता हूँ इसको अपनी शागिर्दी से. वो इनकी बहन सुन रही होगी हाँ, रुबीना रुबीना बैंड फोरन आएगी लपक के हाँ. वो कपड़े धो रही होंगी ना, वो भी छोड़ देंगी. अच्छा है. भाई की मोहब्बत में बात की आएगी. नहीं नहीं अभी तो रुबीना ने मेरा फेवर किया अंकल, अभी मैं पढ़ती हूँ वो कमेंट कहाँ गया, मैंने तो देखा था भाई रुबीना ने मेरा फेवर किया है, अभी तो मेरी साइड ले ली रुबीना ने. अभी समझ में नहीं आ रहा क्या अंकल, रुबीना ने मेरी साइड ली, अभी मैं पढ़ती हूँ ना, रुके तो सही, अभी मैं पढ़ूंगी ये कॉमेंट्स वगैरह. तो इसने अपने भाई को छोड़ दिया. हाँ अंकल बस अभी रुबीना बहन का भरोसा नहीं करना. नहीं 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 अंकल ऐसी तो नहीं है, खैर अब ऐसी बात नहीं है. जो बहन अपने भाई को छोड़ सकती है. नहीं नहीं अंकल छोड़ा थोड़ी ना है. नहीं अंकल छोड़ा थोड़ी ना है. अच्छा भाई आपकी 2 मिनट की कॉल है, बहुत परेशान कर रही है हम लोगों को. अंकल मैं आपको टाइम देती तो हूँ ज्यादा. भाई आप मुझे टाइम देते हैं ना, मत दिया करें. मसला क्या है पता है आपको हाँ. देखिए आप कितने अच्छे अच्छे डिक्शनरी ऐसे रजा है, ये अपने इंग्लिश की डिक्शनरी है, फिर ये भट्टी साहब हैं, राणा मसूद हैं, राणा इमरान राजपूत हैं, ये अपने एक और इमरान साहब है कोई समझे आप, और ये दूसरे अंकल है हीरे मोती वाले पराठे वाले, इन लोगों की कॉल नहीं लगती है ना. हाँ अंकल लग रही है अंकल, सबके ऐसे ऐसे लग जाएगी कॉल. थोड़ा अपने मैनेजमेंट से कहें. नहीं अंकल वो मसला नहीं है, असल में ना मेरे शो में कॉल मिलाने में लोगों को लग जाता टाइम, नहीं मिलती कॉल्स लोगों की, बहुत नंबर बिजी जाता है. अंकल को तो टाइम नहीं बस अंकल आपकी लाइन पहचानी भी है ना, क्या करें, ये हमारे फोन ने पहचानी भी आपकी लाइन मिल जाती है, हमारे तो उंगलियों में भी दर्द नहीं होता है. बस चलें जबरदस्त हो गया अंकल. चले सभी लिसनर्स को मेरा सलाम कहिएगा. जरूर वालेकुम अस्सलाम सबके जाने से. अम्मी अब्बू को सलाम, अपना बहुत सारा ख्याल रखना. बहुत सारा ख्याल आप भी रखिएगा अंकल, अल्लाह ताला आपको बहुत ज्यादा खुश रखे. घर जाते हुए ना हाँ. क्लेश वायर को धमकी दे देना अंकल, वो आप दूसरी है ना, वो सुबह दूसरी होती है, अब शाम अभी वापसी में दूसरी होगी. अच्छा अच्छा चले ठीक है, अल्लाह आपको खुश रखे जहाँ भी रहें. जज़ाकअल्लाह, अल्लाह आपके मुकद्दर अच्छे बनाए. आमीन सुमामीन. जज़ाकअल्लाह अंकल, खुश रहिए. अल्लाह हाफिज़. अल्लाह हाफिज़. क्या बात है. तमाच तेरे असी तलियां बिछाइए ने, नैणा को चुराइए तक के ना मर जाइए ने, नैणा को चुराइए तक के ना मर जाइए.
अच्छा जी अच्छा जी सो पश्मीना कहती है कि हैप्पी बर्थडे रमजान अंकल, बहुत शुक्रिया। चलिए एक कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए रुसाओ कैसी हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। और पता है आपने कहा कि रुसाज ने किसी सॉन्ग नहीं बताया, तभी मैंने सुनना शुरू किया। क्या बात है रुसा, देखो जबरदस्त हो गया। जैसे आपने मेरा नाम लिया वैसे मैंने रेडियो ऑन किया। वैसे ही ऑन किया इतनी देर में लड़की, कब मैंने नहीं, वैसे 9:30 बजे के बाद। नहीं मैं बिजी थी ना। अच्छा चलो खैर, सुन लूंगी बाकी का शो। हाँ हाँ खैर है, कोई नहीं है। और बताओ लड़की। पहले तो रमजान मलिक सर और इमरान हसन दोनों को सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। और दोनों को अल्लाह बहुत सारी खुशियां दे, इमरान हसन को एक अच्छी सी वाइफ दे। आमीन सुम आमीन। और क्या तुम लोग उनकी शादी के पीछे पड़े रहते हो क्या? क्या हो गया? उनकी शादी के पीछे पड़े रहते हैं वहाँ पे भी क्या लोग सारे? हाँ ना, सब कहते शादी कर लो, वो शादी नहीं करते, कब करेंगे शादी। अच्छा सही है, 37 ना, सलमान खान का रिकॉर्ड तोड़ने का। नहीं सलमान खान 55, ही इज 37 आई गेस। खैर जी चलें जी, हमें क्या, हम की तब्जरे कर रहे हैं, बताओ और आगे टॉपिक पर। हाँ तारीफ तो मैंने कल अपनी फ्रेंड की थी, तो मैंने कहा तुम दुल्हन बनकर आई हो। अच्छा क्यों? बिल्कुल दुल्हन लग रही थी, सब सब कह रहे थे कि दुल्हन लग रही है, दुल्हन लगता है, दुल्हन आई है आज कॉलेज में, सब ऐसे कह रहे थे। क्यों बहुत तैयार होकर आई थी क्यों? और उसने भी क्या कहा, इसकी तो हमेशा की तरह दादी अम्मा लग रही हूँ। दादी अम्मा तुम कहती, मैं डिसेंट लग रही हूँ, दादी अम्मा नहीं लग रही हूँ मैं। हाँ क्योंकि मुझे नहीं पसंद इतना हैवी मेकअप में, नहीं। हाँ सही है ना, और क्या? मुझे कह रही थी तुम ऐसे दादी अम्मा बनते, तो कॉलेज वाले कुछ कहते नहीं इतना मेकअप करने के बाद। कोई इवेंट था क्या, कोई इवेंट था जो इतना तैयार होकर आई थी? जी जी कॉलेज में था। अच्छा अच्छा, तो हमने कहा हम लोग बाहर जाएंगे, तो फिर उसने कहा नहीं कॉलेज में जाएंगे, कॉलेज में तो बस वही जाएंगे। अच्छा सही हो गया, ठीक हो गया, चलो। और एक टॉपिक पर आपने कहा कि कौन सी हरकत याद रहती है। हाँ। तो मंडे को हम लोग कॉलेज से आ रहे थे ना। हाँ। तो रास्ते में मेरा पैर स्लिप हो गया, तो मौत आ गई। अच्छा। और मैं वहीं पे खड़ी थी, तो मेरी फ्रेंड क्या करी, अब चलो तुम्हारे लिए कोई हीरो नहीं आएगा आसमान से। यार कैसी बातें कर रहे हो तुम लोग, चलो जबरदस्त हो गया, जबरदस्त हो गया रुसा। और ऊपर से आकर लड़ने लगी, क्यों हंस रहे हो मेरे ऊपर, रहेगा जैसे हरकतें करोगे हंसी तो आएगी। जाहिर है। मेरे क्या कोई हो रहा था, मुझे तो गुस्सा आता, मुझे एक थप्पड़। सही बात है वाकई, तो मुझे तो हंसी आ गई। सही बात है और क्या, देखो तुमने चल दिया ना, दर्द में हूँ, ऊपर जिसने आके मुझे धक्का दे दिया। हाँ सही बात है और क्या। चलो एंजॉय तो किया ना तुमने। हर सिचुएशन को एंजॉय करना चाहिए। हीरो भी हीरो आ गया। चलो जबरदस्त हो गया उरुसा, बहुत शुक्रिया, अपने ख्याल रखिएगा। ओके सर, ये तो डेली कॉल करती है, तो बस मेरे को लग जाती है, मुझे इतना प्यार है ना आपसे। क्या बात है, मुझे भी आपसे बहुत प्यार है उरुसा। चले कुछ लोग होते ना जेलस। हाँ होने दे, जो जेलस हो रहा होने दे, होने दे, हमें क्या फर्क पड़ता है। बैलेंस तो मेरा जाता है, खर्च खर्च में खुद करके कौन सा वो करके देते हैं। और नहीं तो क्या, बैलेंस तो बात करती हूँ। हाँ और क्या, करने दे इन लोगों को, जाले सोने दे, बस सही है। हम लोग हम चिल करेंगे, बाकी कोई चिल करे ना करे, सही है। चलो अपना ख्याल रखना और उसा, बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करके। अल्लाह ताला को बहुत ज्यादा खुश रखे। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। क्या बात है, रफ्ता रफ्ता सनम तुमसे मिली नजर, तो हुआ है बाब सा ये जहां, फर्श धुआं धुआं, जन्नतों का शहर।
ओके अच्छा जी, रूहान अली कहते हैं कि बशीर अंकल को सलाम, वालेकुम अस्सलाम। फराज कह रहे हैं हा हा हा, रूबीना भी कह रही है हा हा हा, क्या चल रहा है भैया, चल क्या रहा है ये। सानी कहती है कि हाँ देखे ना आप दोनों की क्लास हो रही है। रूबीना कहती है मैं हमेशा ना हक बात करती हूँ सर, चाहे वो कोई भी हो, जो बात है रूबीना ऐसा ही करना चाहिए, ये अच्छी बात है। सानी कहती है रूबीना अभी आपकी अम्मी की तबीयत कैसी है अब, ओके। और साथ साथ नूरुल्लाह कहती है वहाँ भी अंकल कितने मजे की बातें करते हैं ना। हाँ ना अंकल ऐसी मजे मजे की बातें करते हैं, और अंकल सिर्फ फोन पे नहीं, अंकल वैसे भी ऐसी मजे की बातें करते हैं। और फराज कहते हैं मतलब जैसे अंकल जब यहाँ पर आते हैं ना तब अंकल ऐसी मजे मजे की बातें करते हैं पता है। और अंकल जब भी कहते हैं मुझे आप पर बहुत गुस्सा आता है, मुझे आप पर बहुत गुस्सा आ रहा है, आपने क्या किया, शो नहीं भेजे मुझे अभी तक। इतना स्वीट है ना अंकल। तो फराज कहते हैं बशीर अंकल को सलाम, अल्लाह खुश रखे अंकल को, वालेकुम अस्सलाम कहते हैं। बात कुछ ऐसी है कि जो मेरे सर थे ना बहुत ही अच्छे थे, लेकिन हाँ तो जाहिर है सर तो अच्छे होंगे ही कह रहे हैं, पर कुछ ज्यादा ही गुस्सा करते थे। एक दिन मजा पूछी मैंने ये गुस्सा किस बात का है, तो कहने लगे कि तुम इंसान बन जाओ बस। देखा तो मैं सब पहचान जाते हैं फराज। सानिया कहती है अल्लाह पाक अम्मी आपकी अम्मी को जो है वो हमेशा सलामत रखे और सेहत वाली लंबी जिंदगी दे फरमाए, आमीन सुमामीन, बहुत शुक्रिया। और अली रजा कहते हैं यानी कि आमना कहती है बशीर अंकल कितने क्यूट है ना जी। हाँ जी बहुत क्यूट है। और बदकिस्मत लड़की कहती है कि आपकी मोटी आंखें माशाल्लाह, मोटी आंखें, मेरी आंखें मोटी है यार, मेरी आंखें बड़ी है, मोटी तो नहीं है, हद हो गई है यार। साथ सजाद हसन वाली कहते हैं बेरा जी मुझसे कोई इंसान मामूली सी नेकी करता है तो मुझे याद रखती है, याद रहती है, ओके जबरदस्त हो गया। और नूलू लैन कहती है मेरी तरफ से भी अंकल को नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। नया साल, अच्छा रमजान मलिक साहब को, ओके चलें जी एक मजीद कॉल को शामिल करते हैं, लेट्स सी कि कौन है हमारे साथ लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है, कैसे हो, आज तुम्हारी कॉल लग गई, शुक्र अल्लाह पाक का ठीक ठाक। हाँ तो क्या हो रहा है शहजाद, अभी भी कॉल नहीं लगेगी, नहीं हो गया रहा, ये बताओ ना, बस काम काम कर रहे हो, सही हो गया जी। हाँ तो तुम्हारी तो किसी ने तारीफ ही नहीं की होगी, तो एक ही जिंदगी काम काम। हाँ तो सही है ना भाई, कायदे आज़म क्या क्या कहे, काम काम काम, बस काम करो और नहीं तो क्या, जब तो ये कौम जो है वो मुस्तकबिल में अच्छा काम करेगी और मजीद, बेशक इसीलिए तो लगे हुआ सही है बस। और तारीफ की बात है तो वो तो आपकी बात ठीक है, हम तारीफ नहीं ये नहीं, मैं तो कह रही तुम्हारी तो कोई तारीफ करता नहीं होगा, ये क्या है, तारीफ के काबिल तो हो, नहीं तारीफ के काबिल तो हो, करता नहीं होगा, अलग बात है। मैं ऐसे काम नहीं करता कि कोई तारीफ करे मेरे, सही है अच्छी बात है, ऐसे काम करना ही नहीं चाहिए कोई तारीफ करे, ये इसी बस ऐसे आदत है मेरी। हाँ और बताओ, तारीफ सुनने वाली आदत है नहीं मेरी, अच्छी बात है ना, वो इंसान की सलाहियतें बेकार हो जाती है अगर वो तारीफ का भूखा हो तो। मैं पता नहीं क्यों मेरे को अजीब सा लगता है, मेरे कोई मेरी कोई बात भी करे ना मैं वहाँ से उठ के चला जाता। अच्छा सही, मेरी आदत ही नहीं है कि बातें किसी की सुना है या कुछ या काम, अपने काम सुकून से, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और दूसरा टॉपिक देखो, अब मैंने तुम्हारी तारीफ कर दी, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, ऐसी तारीफ में तो पता नहीं छोड़ो। अच्छा बताओ बताओ, और याद किसको रखना चाहेंगे यार, याद मतलब तो हम तो याद रखना चाहेंगे एक शख्स को, हाँ नहीं मतलब किसी की बातें, कोई एक बात, शख्स तो जाहिर है वो तो बातें, इस शख्स की बातें याद रखना चाहेंगे, सही है ठीक हो गया, शक्ल सूरत तो नहीं भूलती लेकिन बातें भूल जाए थे, अक्सर शक्ल सूरतें भूल जाती है लेकिन बातें नहीं भूलती, मुझे दोनों चीजें याद रहती हैं। कैप्रिकॉन हो ना तुम, इसलिए चाहे वो फिर 10 साल हो पुरानी हो 20 साल पुरानी हो, बस कैप्रिकॉन ना ऐसे ही होते हैं, भूलते कुछ नहीं है, याद सब रखते हैं, चाहे अच्छा किया किसी ने, चाहे किसी ने अच्छा किया बुरा किया, याद सब रखते हैं बस, ये तो बड़ी गंदी आदत है ना, है ना, बस क्या करें, भूलते नहीं है कोई चीज, भूलते नहीं है कुछ भी नहीं भूलते, ये है कि लोगों को लगता है कि बंदा भूल गया, भूलते कुछ नहीं है लेकिन बेवकूफ भी बहुत समझते जबकि असल में होते को खुद ही हम भी चुप हुए होते, हम भी बोलते हैं चलो इनको खुश होने दो, खुश होने दो इनको। और तारीफ की बात थी तो मैंने की थी आपकी, अच्छा हाँ आपने मेरी तारीफ की, मुंह पे बात करो, मैंने आपकी तारीफ दो बंदों के साथ की थी, अक्सर बात हुई थी फराज के साथ, गेम में बात हुई थी, अच्छा अच्छा उसने, और मेरी अक्सर बातें हमारी है जो होती है ना आपके शो की होती है, अच्छा रात को जब गेम में होते हैं ना,
तो बस आपकी शो की बातें हो रही होती, आज ये हुआ, आज वो हुआ, आज यो किया, आज ये हुआ. अच्छा, हाउ स्वीट. तो लगे रहते हैं हम लोग, टाइम भी पास हो रहा होता है, गेम भी खेल रहे होते हैं. क्या बात है. और आप उस दिन कह रही थी कि गेम में क्या रखा है, पबजी और कॉल ऑफ ड्यूटी. जो बंदा जो काम ना कर सके ना, तो फिर उसके लिए उसमें कुछ भी नहीं रखा होता. बेटा ये बात है, ना करो ना कर सके. बात तो सुने, लोमड़ी जो है ना अंगूर तोड़ने की बड़ी कोशिश करती है. नहीं देखो, अगर मैं खेलना चाहूंगा तो मैं भी खेल सकती हूँ पबजी और ये कॉल ऑफ ड्यूटी, कुछ नहीं है. सही है, खेलना चाहे तो लड़कियां भी खेलती हैं पबजी. बहुत सारी लड़कियां मैंने देखी हैं जो खेलती हैं. इंटरेस्ट की बात है ना, इंटरेस्ट की बात है ना. बिल्कुल नहीं, एक बात कर रहा हूँ ना. हाँ. तो बुरी लगती है कुछ चीजें आपको, मतलब आपको क्या, हर किसी को कोई ना कोई चीज बुरी लगती. हाँ. है, नहीं पसंद होती ना, इंटरेस्ट की बात है वो. हमें पसंद है, मतलब लगे हुए. हाँ, तो बस लगे रहो. अगर भाई देखो कुछ गलत काम नहीं कर रहे ना उसकी वजह से, तो अच्छी बात है. किसी गलत काम में नहीं पड़े तो बुराई तो ना किया करो ना. बहुत हम करेंगे. अरे तुम्हारे दिल पे लगती है पबजी की बुराई करो तो तुम्हारे दिल पे लग जाती है. नहीं तो मैं पबजी की बुराई नहीं करती, मैं तो कहती हूँ कि मैं नहीं खेलती भाई, तुम लोग खेलो. आज जो है ना, आज वाइफ भी इसी चीज पे नाराज है पबजी की वजह से. हाँ, तो वाइफ को देने वाला टाइम तो पबजी को दे रहे हो, तो नाराज तो होगी वो. लाजमी है ना, तो कल तक मान. खुदा का खौफ करो यार. अरे मना लेंगे ना. बाबूजी को छोड़ो, वाइफ को मनाओ. सही है. नहीं नहीं नहीं, नहीं. अभी दोनों काम करेंगे साथ साथ. चलो सही है, चले ठीक है, साल लंबी हो जाए. चलो सही है, अपना ख्याल रखिए, कल अल्लाह आपको खुश रखे, सलामत रखे. अल्लाह हाफिज़. ओके, शमशाद खरल कहते हैं कि अब मैं ना कॉल जो है वो जरा ब्रेक दूंगी, कॉल को बैक टू बैक काफी कॉल शामिल करती हैं. शमशाद खरल कहते हैं नाइस शो, थैंक यू सो मच. आने कहते हैं रमजान अंकल को हैप्पी बर्थडे, में यू हैव मेनी मेनी मोर हैप्पीनेस, गॉड ब्लेस्ड यू विद हेल्थ वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी, आमीन. और फराज कहते हैं पता नहीं उरूसा को देख के ना कितने लोग बेहोश हुए होंगे. बस कर दो. सलीम शेख कहते हैं कि गुड मॉर्निंग राना का बनाते हैं फराज भाई, मतलब चलो छोड़ो. अच्छा जी, राणा घबरा गए थे फराज भाई की शादी कभी होगी. हाँ क्यों नहीं भाई, वो अभी वो बता दे रहा था पैचअप करने के लिए, उसने बता दे रहा था. चलो बता देगा किसी दिन, ये ना इसका पैचअप हो जाएगा, फिर शादी हो जाएगी. मसूद अहमद साहब कहते हैं कि मैम दादी अम्मा से कह देना कि आज मेरे ना पेज का विजिट जरूर कर लेना, मैं दुआएं दी हैं, तुम कराची रहो या इस्लामाबाद. क्या बात है. नूरुल्लाह कहती हैं और भाई इमरान हसन को भी हैप्पी बर्थडे और उरूसा सिस्टर की दुआ, आमीन. जबरदस्त हो गया भाई, चलें जबरदस्त हो गया है. अच्छा कौन सी दुआ दी थी, अच्छा मैं तो भूली गई कौन सी दुआ दी थी. सही है, याद आ गया. सानिया कहती हैं क्या भी, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप. वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह. और साथ ही साथ कहते हैं ये सलाम वाले कमेंट्स ना स्क्रॉल हो गए अभी. हाँ कोई बात नहीं सानिया, चुके और अल्हम्दुलिल्लाह. कहते हैं कॉल अटेंड करो. हाँ जी, कॉल अभी हम शामिल करते हैं साथ साथ. अल्हम्दुलिल्लाह वाले कहते हैं जो लोग अल्लाह की याद से दूर होते हैं वो बेचैन और बेसुकून होते हैं, साथ साथ जो लोग अल्लाह से डरते नहीं है वो लोग भी बेचैन और बेसुकून ही रहते हैं. और साथ साथ सारी कहती हैं आज मूड ऑफ है अभी. क्यों भाई, क्या हो गया, क्यों मूड ऑफ है तुम्हारा. चलें जी एक कॉल को शामिल करते हैं. एंड अस्सलाम वालेकुम. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है हमारे साथ. मैं अतीक बात कर रहा हूँ, खैरियत से. जी अतीक मेरे भाई, कैसे हैं आप. ठीक हैं, खैरियत से हैं. बस सर काफी दिनों से आपका शो सुन रहा हूँ, मगर मुझे सब बातें याद आती हैं, मगर ये नेचुरल सी हंसी वाली बोल रहा हूँ कि हर दो मिनट बाद जो है ना आपकी एक हंसी निकलती है अच्छी सी. बस इसी वजह से सुन रहा था कि चलो. अरे जजाक अल्लाह, बहुत शुक्रिया. कुछ ऐसे लोग तो हैं जो हंसते रहते हैं, जिसको देखो 12 ही बजे होते मुँह पे, 12 ही बजे होते. 12 बजे के बाद उनके सेल खत्म हो जाते होंगे ना, शो के नहीं सॉरी उनके वो. तो क्या मौज रखा है. हाँ जी, और क्या कहेंगे टॉपिक पर. टॉपिक क्या था. टॉपिक ये है भाई, आपने कभी किसी की तारीफ की है, किसी ने आपकी कभी तारीफ की है. मेरी तारीफ तो नहीं पता, अलबत्ता मैंने अपनी बेगम की तारीफें कर करके थक गया हूँ, मगर वो फिर भी नहीं मानती है, पता नहीं क्या. बस आप तारीफें करते रहें, बस तारीफें करते रहें. सही है, बस सही हो गया. चले जबरदस्त हो गया. बहुत शुक्रिया मेरे भाई, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला आपको बहुत ज्यादा खुश रखे. अल्लाह हाफिज़. अल्लाह हाफिज़. उसने निगाह से किया सलाम है. ओके,
अच्छा जी, और अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं कि सलाम टू ऑल लिसनर्स, वालेकुम अस्सलाम। अमर कहती हैं ये तारीफ याद नहीं रखते जनाब, तलख लहजा याद रहता है। हाय लड़की कहते हैं बाकी तारीफ अपनी याद नहीं है, मैंने लास्ट किसी की वफादारी की तारीफ की थी। अच्छा किसी की वफादारी की तारीफ की थी कौन था वो या कौन थी वो जो भी था कौन था वफादार ये तो बताओ ना। अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम। और रोहान कहते हैं कि हमारी कौम का फखर है फराज तो फराज ने कौन सा जो है वो भाई फराज कौन सा बल्लेबाज है। और साथ ही साथ अली रजा कहते हैं, यानी कि कहती हैं मैं कॉल कर रही हूँ, नो बिजी नंबर बिजी जा रहा है। अरे करती रहो नंबर मिल ही जाएगा। साथ साथ फराज कहते हैं सही कहा, इसकी तारीफ कौन करे, इसका मुंह ही ऐसा है और साथ साथ क्या लिखा है रोहान कहते हैं मैम कोई धोखा दे या आगे इंसान से विश्वास नहीं करता कोई। देखें मैं कहती हूँ ना हमेशा, जिसके पास जो होता है ना वो अगले बंदे को वही दे सकता है, वो हर इंसान को वही दे सकता है वो, चाहे वो धोखा है चाहे वो फिर यू नो जो कुछ भी है। मतलब अगर किसी के पास कोई यू नो कोई किसी के साथ बहुत अच्छे से पेश आता है या हर किसी के साथ बहुत अच्छे से पेश आता है, इट मीन्स कि उसके पास वही है, अखलाक की दौलत है। और कुछ लोग सिर्फ तकलीफ देने के अलावा कुछ नहीं कर सकते, इट मीन्स उनके पास यही है, उनको भी यही मिलता है लोगों से बस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है मेरी बेटा? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं? ठीक हैं, खैरियत से हैं परवेज अंकल? अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, आपकी तो नंबर बहुत बड़ी मुश्किल से मिला। मुश्किल से मिला है, सब यही कह रहे हैं अंकल, बिजी जा रहा है नंबर, माउंट एवरेस्ट तक पहुँच गया ना, उस पर चढ़ जाए बंदा। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है ये तो कह रहे मजाक कर रहे हो तो बात जो बात है बेटा वो है। हाँ बताइए अंकल कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह बेटा। बेटा पहले सवाल का तो जवाब ये है आपका जी, कि जब उसने अपनी बेटी से ये कहा ना कि तुम्हारे अंकल अगर ये तुम्हारे अगर तुम्हारे पापा नहीं होते तो ये तुम्हारे डैडी होते। अच्छा बात मैं कभी नहीं बोल सकता तुम्हारे पापा नहीं तो तुम्हारे डैडी होते ये क्या बात हुई सही है। अच्छा और दूसरा मैंने उसकी तारीफ की, तुमने कहा तुमने बिल्कुल ठीक कहा, तुम्हारी मुस्तकबी और मैं तुम्हें और तुम्हारी मुस्कुराहट को कभी भूल ही नहीं सकता। अच्छा लिखा कि मैंने कहा तुम्हारी मुस्कुराहट जो है बिल्कुल मुंह में लीजा की तरह है तो उसने कहा अल्लाह सज्जू पीस बन लोगे और मेरे पास उसकी तारीफ थी, मैंने बोला भाई बिल्कुल मुंह में लीजा की तरह मुस्कुराती हो, हालांकि वो मुस्कुराती ऐसे नहीं की, मैंने कहा चलो कह दो यार। चलो जबरदस्त हो गया अंकल, बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा अंकल, अल्लाह ताला आपको बहुत ज्यादा खुश रखे। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। मुझे साहब कहते हैं मैम आप ना शहजादे से पूछ लेंगे कि अभी मुझे आजान कब कहनी है, बताना जरूर, नादरा वाले तो बताने से रहे। अच्छा ठीक है, अच्छा ओके ओके। और बड़ा झूठ बोल रहा है सच में, अब नहीं करते आपकी बातें, अब हम ना किसी और की बातें करते हैं। शहजादे इतना झूठ ना बोला करो देखा लड़का जेलस हो रहा है और जो है वो आ जाए आ जाए आ जाए देखते हैं कॉलर कौन है हमारे साथ लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मिलमुश में कॉल मिलाई है। अरे वाह लग गई है, क्या बात है भाई, कैसी हैं आप? रुबीना ठीक हैं, खैरियत से हैं? जी जी अल्लाह का शुक्र ठीक हूँ, खैरियत से हूँ, आप सुनाए कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन जी, क्या कहेंगी? एक हैंड फ्री मुश्के कान में लगी हुई आपको सुन रही है। अरे वाह क्या बात है मुश्क, कैसी हो? रिएक्शन दे रही है अच्छे से हाँ तो बताइए ना क्या कहेंगी? क्या कहूंगी, टॉपिक के हवाले से अगर बात कर रही है तो हम चार फ्रेंड्स हैं। अच्छा अम्मी के घर पे जब हम शादी से पहले की बातें। अच्छा तो हम जा रहे थे कहीं पे ना, तो वो बिजली के खम्भे नहीं होते, मैं वहां से गुजरी तो मुझे अर्थ ऐसी लगा ना, तो मैंने अपने दोस्त से कहा उसका नाम तबस्सुम है, मैंने कहा तबस्सुम यार मुझे करंट जैसा लगा है। चल कि चल पागल करंट थोड़ी यहाँ पे, मैंने कहा हे यार देख हाथ लगा के देख उसने हाथ लगाया कि चल पागल कि देख मेरे लगा लिया, देख मेरे लगा लिया हाथ लगाया ये सही करंट भी आप क्या मशवरा दिया ना आपने माशाल्लाह कि करंट चेक करो लेकिन हाथ लगा के, वाह 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 क्या बात है रुबीना
आज तक ये बात हमें याद है, सब मिलते हैं सोचते हैं अम्मी के बाद। यार मतलब कैसे मशवरे देती हैं आप तो उसे यकीन नहीं आ रहा था ना, उसे यकीन तो आ रहा था यार। अगली बंदी को भी जो है ना करण के झटका लगा दिया। सही है भाई, सही है, सही जा रही हैं आप। और अंकल की किसी भी बात का हम बुरा नहीं मनाते, अंकल अच्छी बात है। हाँ बिल्कुल, ऐसे ही बुजुर्ग तो रहमत होते हैं वैसे भी। हाँ, और रमजान अंकल को बहुत बहुत साल का मुबारक, जबरदस्त उन्हें भी खुश रखे और सेहत वाली जिंदगी अच्छा करे और तमाम बड़ों का साया हमारे सर पे हमेशा जी। आमीन सुमा आमीन। जबरदस्त हो गया, चले जबरदस्त हो गया रुबीना। और जाते जाते जल्दी से, और जाते जाते मुझसे बात कर लो, मम्मा बोलो मम्मा, मुझ कैसे बोलती पापा। अब तो भाई बच्चे देखें ऐसे करते, नहीं बोलना अब उसने बच्चे ना चलें जबरदस्त हो गया, चलें अपना ख्याल रखिए करुणा, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। ओके रफ्ता रफ्ता सनम तुमसे मिली नजर तो हुआ है असर, चाहिए नैना को चुराइए तक के ना मर जाइए ना। ओके चुराइए तक के ना मर जाइए। सो क्या करना है भाई, करना ये है। हाँ भाई, सानिया कहती है शहजाद भाई भाभी नाराज हैं, खाना देखकर खाएंगे, कहीं ना खाने में नमक और मिर्च ज्यादा तेज ना हो। ओके रोहान कहते हैं, रोहान अली कहते हैं मैं रात ना सो नहीं सका मैम, फराज की बातें सोच सोच के बस कर दो, खुदा का खौफ करो फराज कौन सी तुम्हारी महबूबा है कि उसकी बातें सोच के तुम सो नहीं सके। चलें ये कॉल को शामिल करते हैं, मैं भी लास्ट कॉलर हूँ हमारे साथ लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आमना, कैसी आप? ठीक है, खैरियत से हैं? फाइनली कॉल लगी। चलो आज ना अपनी अम्मी से बात करवा दो जरा जल्दी से, अम्मी की तबीयत ठीक है ना? हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आंटी आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? आप सुनाएं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। क्या हाल है बेटा? अल्हम्दुलिल्लाह आंटी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? आप ठीक हैं, आपकी तबीयत ठीक है? और थक तो नहीं गई अभी तक? नहीं नहीं आंटी, मैं कहाँ थकूं, मैं थका देती हूँ लोगों को। आप तो थका देती हैं लोग नंबर डायल कर करके थक जाते हैं। ना बेटा, दो घंटे होते हैं, ये भी आपके ना ड्यूटी है आपकी। हाँ जी बिल्कुल, ऐसी आंटी कोशिश करते हैं कि अच्छी तरह से निभाएं, बस आप लोगों की दुआएं चाहिए। अल्लाह ताला आप लोगों के नसीब अच्छे करे, जितनी बेटी हैं सुखद जॉब कर रही हैं। आमीन, जजाकल्ला जजाकल्ला आंटी। और बेगार इतनी आप लोग मेहनत कर रही हैं, अल्लाह ताला आप लोगों को ना अपने घरों में बस रानी बना के रखे। आमीन सुम आमीन इंशाल्लाह। बस देखें अब आपकी दुआएं ना, माओ की दुआएं होती है ना, तो फिर बच्चियां ना रानी बन के ही रहती हैं फिर। इंशाल्लाह अल्लाह ने जाना घरों में राज करूंगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह, अल्लाह ताला कोई तकलीफ ना आए। आमीन सुम आमीन। जजाकल्ला आंटी, आपके लिए भी बहुत सारी दुआएं। मेरी दुआ है कि आप जो है वो सदा खुश रहें और आपको भी अपनी बेटियों की खुशियां देखना नसीब हो। मेरी सब बेटियां हैं, सबकी खुशियां देखना नसीब होंगे, सबकी खुशियां देखना नसीब हो ना आंटी आपको। सब बेटियां अपनी बेटियां हमारी, बिल्कुल ऐसा ही है, जैसी आप जैसी मेरी बेटियां हैं ऐसी आप भी मेरी बेटियां। जजाकल्ला आंटी जजाकल्ला, अल्लाह ताला ना आप लोगों को सब अपने घरों में खुश रखे बस। आमीन सुम आमीन। जैसी बेटियों का नसीब बिल्कुल, बस आंटी बस बेटियों के नसीबों से ही तो डर लगता है अक्सर। हाँ ऐसा ही है, चलें जबरदस्त हो गया, बहुत शुक्रिया आंटी, अपना ख्याल रखिएगा, अच्छा लगा आपसे बात करके। चलें बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़। ओके रफ्ता रफ्ता सनम तुमसे मिली नजर तो हुआ है असर, रफ्ता रफ्ता सनम तुमसे मिली नजर तो हुआ है असर। ओके अच्छा जी,
सो अभी क्या करते हैं हम, अभी हम ये करते हैं कि सानिया कहती हैं ओके अभी तलख लहजे ही याद रह जाते हैं, ठीक हो गया, हाँ याद रह जाते हैं, ठीक है। मैंने कहा ना कि जिसके पास जो होता है बस वही देता है, बस ये समझ लें कि बस कुछ भी समझ लें कुछ भी समझ लें। और रोहन कहते हैं सुनो सुनो हमारे बीच ना धोखेबाज भी हैं, अल्लाह पाक खुश रखे सबको। हैं कौन है भाई धोखेबाज, किसने किसको धोखा दे दिया? और रोहन कहते हैं कि आई एम रोहन, रोहन राशिद, ओके ठीक हो गया रोहन मेरे भाई। और साथ साथ फराज कहते हैं हाँ वैसे मुझे सज्जाद अंकल की बात ना समझ में नहीं आई, आखिर कहना क्या चाहते थे वो, कौन सी बात। और रोहन कहते हैं फराज को पता है क्योंकि फखर मुझे इन जैसे लोगों पर हैं, क्या चल रहा है भैया। और मलिक फराज कहते हैं अभी वाजिद अली सॉन्ग सुना दें कौन सा वाला। और इसके अलावा मुन्ना खान कहते हैं अस्सलाम वालेकुम रूहुल कमर, वालेकुम अस्सलाम बहुत शुक्रिया। आजम शाह कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। और सब कहते हैं कि मैम मैंने ना बहुत मैंने ना माउंट एवरेस्ट देखा है और दूर से, जब मैं 1994 में नेपाल का दौरा किया था तो आपने K2 देखा क्या? नहीं मैंने नहीं देखा। क्या बात है भाई। फराज कहते हैं कि आई लाइक छोटे छोटे बेबी, हाँ अरे 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 तुमने रुबीना मुझे याद आ गया, तुमने बेबी शेर वाली बात नहीं सुनी क्या? यार जाके सुनना वो शो, बड़ा मजे वाली बात है वो रुबीना कहती है बेगमात का नाराज होना ना बनता है शहजाद भाई, और नहीं तो क्या। और साथ साथ कहते हैं मोहम्मद शहजाद कहते हैं सानिया बहन उन्हें पता है कि मेरे अंदर बर्दाश्त का मादा कम है। बेटा ऐसे ना करो, और साथ बर्दाश्त जो है ना रखनी चाहिए। साथ साथ फराज कहते हैं कि तो सिर्फ मेरा महबूब मैं तेरी महबूबा है, मलिक राशिद तुम्हारे लिए ये मलिक राशिद तुम्हें कह रहे हैं। अच्छा साथ साथ रोहन कहते हैं कि वो यूं के अच्छा ये मुझे ये मलिक राशिद है जो नाम चेंज करके आ गए, ऐसे ही है, ऐसे ही कुछ है। अच्छा ये कह रहे थे ना कल फेक आईडी की बात कर रहे थे, बना के आ गए फेक आईडी बस। और चले जी बस इजाजत लेने का ही टाइम हो रहा है। आप फराज कहते हैं अंकल ने मेरा नाम सही लिया शुक्र है, आप फयाज नहीं कहा तो अंकल को नाम आपका पता है। और साथ साथ रूबी ने कहती हेलो फरहाना जब कॉल कटेगी ना, कट गई जब मुझ कॉल कर रही है आपसे, चलो मेरी बेटी को कॉल करो कान पर लगा के ना खुश हो रही है और बात कर रही है, चलो बात करो बेटा फरहाना। हाँ भाई मुझ क्या हाल है भाई, मुझ क्या चल रहा है? ठीक है मुझ का आप मम्मा को तंग कर तो नहीं करती हैं? आप तंग किया करें मम्मा को अगर तंग नहीं करती हैं तो नहीं मजाक कर रही हूं मैं। और साथ साथ फराज कहते हैं कि आंटी हम लड़कों के लिए भी दुआ करते हैं। बेटा तुम लोगों से देखो तुम लोगों की वजह से तो दुआएं मिलती हैं लड़कियों को, बात सही है। और मेरा कहती है ये लड़के ना जल जल के मर जाएंगे, सही बात है वाकई में। मैंने बता ना वो बताया था ना मैंने वो जला भुना कबाब बाबा मोहरम अली शेख कहते हैं शो में सलाम, वालेकुम अस्सलाम बहुत शुक्रिया। और सासु ज़ायदा काश कहते हैं अस्सलाम वालेकुम कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और अली रजा कहते हैं कि फाइनल मेरी अम्मी ने ना आज से बात कर ली। हाँ जी बिल्कुल, कहते हैं आप भी गेस्ट आ गए हैं घर में, चलो जबरदस्त हो गया। आप ना गेस्ट जो हैं वो उनका ख्याल करो, उनकी खातिर तवाजो करो। और सर कहती है अभी कल रात में ही तारीफ हुई मेरी एक, लेकिन मूड ऑफ था तो अपनी तारीफ सुन के बिना मजा नहीं आया। है क्यों भाई तुम्हारा मूड क्यों ऑफ है? काशिफ अंसारी कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम क्या हाल है काशिफ अंसारी मेरे भाई। रुबिन कहते हैं यार उस शो की डेट बताओ ना, अरे परसों वाला शो था वो, मंडे का शो था। और साथ अली राजा कहते हैं कि अच्छा जी अल्लाह हाफिज आमना, जबरदस्त हो गया, अच्छा लगा आपकी अम्मी से बात करके, मुझे बहुत अच्छा लगा। फराज कहते हैं जी हाँ रोहन के पीछे राशिद है, सही समझ गई मैं देखा। अंबर साहब कहते तारीफ की थी जनाब एक दोस्त की, ओके अंबर, ओके अंबर ये वही दोस्त तो नहीं है जो मैं समझ रही हूँ है अंबर बताओ ना कि वही वाली दोस्त तो नहीं है। राजा काश कहता अभी मुझे सराय की ड्रामों में काम करने की ऑफर आई है तो जाओ कर लो सराय की ड्रामों में काम। और काशिफ सर कहते मुझे देर हो गई है, चलें कोई बात नहीं हमारा शो बस एंड पे जा रहा है, बहुत गुना मिलेगा आपको। राशिद कहते हैं ये ओल्ड अकाउंट है मेरा, अच्छा यानी किसी से ली हुई है आईडी। हाँ तुम लोगों ने पता है कि तुम लोग ऐसे ही करते हो ना आपस में आईडीज बांट लेते हो एक दूसरे को, ताकि जो है ना वो कभी किसी लड़की से बात करने का मौका मिल जाए, कभी किसी लड़की से बात करने का मौका मिल जाए। कुछ तो इतने महान होते हैं कि लड़कियों के नाम से आईडीज बना के लड़कियों को ऐड करके उनसे ही बातें करते हैं और बस क्या कहे उनको। 21 जो है ना तोपों की सलामी भी उनके लिए कम पड़ जाए, मतलब उनके लिए तो 21 पता नहीं 21 बार ना 21 तोपे लगाए जाए फिर सलामी दी जाए उनको।
और अपने आपको सच्चा साबित करने के लिए कहती है स्क्रीन शॉट देना मेरा फल जगह जाके अब तो बस मतलब ऐसी मतलब ना चले जी इजाजत दे दीजिए मुझे इंशाल्लाह मिलेंगे अब हम कल सुबह 9 बजे से लेकर 11 बजे के दरमियान जब तक अपना अपने प्यार रखेगा बहुत 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 ही ज्यादा ख्याल और अपने चाहने वालों की भी रखेगा बहुत ज्यादा ख्याल और जो लोग इस दुनिया से जा चुके हैं उनके लिए भी दुआएं मगफिरत जरूर कीजिएगा मुझे भी रखेगा अपनी दुआ में सो मिलेंगे ना कल टाइम पर आइएगा सुबह 9 बजे ठीक है ना इंतजार करेंगे फिर हमारा इस्माइली साइनिंग ऑफ फी अमानुल्लाह